लिंक भेज रहा हूँ मैं मुकेश सर आपको, आपके चैनल पे देखो लाइव दिखेगा मुकेश सर, वहां से लिंक ले लो। हाँ नहीं दिख रहा नहीं है। बस बस अभी लाइव हो रहा है, एक सेकेंड। सो वी आर लाइव नाउ। मुकेश सर वी आर लाइव नाउ। ओके सर। पर चलो बच्चों फटाफट कनेक्ट होना है क्योंकि आज हम लोग ज्वाइंट होने जा रहे हैं। कुछ चिप मॉडरेटर हमारे साथ में है, साथ में पेपर सेटर जो करते हैं वो भी है, और जो बोर्ड ऑफ स्टडी मेंबर वाले सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं आपको गाइडेंस करने के लिए। तो सभी को ज्वाइन होना है फटाफट ताकि आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर सके, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हमेशा शेयरिंग करते रहते हैं कि सर क्या। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी पढ़ाई तो करते हैं लेकिन पढ़ाई करते वक्त भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी शेयर करना पड़ते हैं उनको, और साथ में उनको जब पेपर लिखने के बाद उनको मार्क्स भी नहीं आते। इसके अलावा बहुत सारी चीजें से सफरिंग करते हैं महाराष्ट्र के हर बच्चे। तो ऐसे टाइम पे हम लोगों ने, मैंने और दिनेश सर ने सोचा कि क्यों ना हम लोग सभी जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं जो पेपर सेटिंग करना या चिप मॉडरेटर पेपर चेक करना जो हायर केसेस होते हैं या अदर थिंग्स है, बहुत सारी चीजें आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग शेयर करने वाले, क्योंकि महाराष्ट्र के हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचेगा हम लोगों को लगता है। ऐसा करने के कारण यहाँ पे उनके नंबर, उनका जो फिजिक्स में जो डर होता है बच्चे के मन में कि सर हमारा स्कोर बढ़ता नहीं है, हम लोग फेल होंगे, हम लोगों को अच्छे नंबर्स नहीं मिलते, इन सभी चीजों का यहाँ पे सॉल्यूशन देने की हम लोग कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि हमारे साथ यहाँ पे जो ज्वाइन हो चुके हैं फिलहाल में जेईएस कॉलेज जालना से बाफना सर है हमारे साथ। बाफना सर यहाँ पे सीएम मतलब चीफ मॉडरेटर रह चुके हैं, और सर की मतलब उम्र के हिसाब से आप सोच सकते हैं कि सर का कितना सारा एक्सपीरियंस होगा, और पेपर चेकिंग करना, उसके बाद में मॉडरेशनशिप, बाद में सीएम चीफ मॉडरेटरशिप। तो सर का मैं वेलकम करता हूँ सबसे पहले बाफना सर का। थैंक यू। गुड इवनिंग मुकेश, गुड इवनिंग गुड इवनिंग स्टूडेंट। दिनेश सर। मैं बोलिए मुकेश। दिनेश सर नेक्स्ट सर, यह पाटिल सर का ना। हाँ यस सो नमस्कार, आज हमारे साथ पाटिल सर जुड़े हुए हैं, और पाटिल सर सर का लगभग 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 4 साल वाइस प्रिंसिपल रह चुके हैं। पाटिल सर के अंडर में फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर 67 स्टूडेंट्स 100 में से 100 स्कोर कर चुके हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, फिजिक्स के अंदर 100 में से 100 स्कोर करना। और काफ़ी बच्चे जो है सीईटी एग्जाम में भी आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर चुके हैं। सर ने मॉडरेटर के तौर पर बहुत सालों तक काम किया है, इसके साथ ही चीफ मॉडरेटर के तौर पर, जो कि मॉडरेटर्स के भी ऊपर होते हैं, उसके तौर पर फिलहाल काम कर रहे हैं कई सालों से। पेपर सेटिंग कर किए हैं सर ने बहुत बार, और जो एमएसटी सीईटी की पेपर सेटिंग भी सर करते हैं 12th के साथ साथ। बोर्ड ऑफ स्टडी मेंबर हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए, टेक्स्ट बुक जो होती है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की उसके ऑथर रह चुके हैं 3 साल से, पिछले 3 साल से फिजिक्स की जो टेक्स्ट बुक लिखी जाती है, और मास्टर ट्रेनर भी रह चुके हैं, और पालक शिक्षक संघ इचलकरंजी में सर पढ़ा रहे हैं अभी फिलहाल, और एक सोशल एजुकेशनल वर्कर के नाम रूप में जाने जाते हैं, और लगभग अभी तक 200 से भी ज्यादा टीचर्स और स्टूडेंट्स के सेशन ले चुके हैं हमारे पाटिल सर। नमस्कार। तो इसके बाद में मैं सर ये विद्या भारती प्रकाशन लातूर इसके ऑथर भी है, और सर महात्मा विश्वेश्वर कॉलेज लातूर, और ये सीएम भी रह चुके, सीएम बोल के उन्होंने काम भी किया है सर ने। तो हमारे साथ अभी वाणी सर भी कनेक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट सर सो अभी हमारे साथ वंदना जाधव
पाटिल मैडम है, डॉक्टर वंदना जाधव पाटिल मैडम, फिजिक्स के लेक्चरर है देवगिरी कॉलेज औरंगाबाद में, बोर्ड ऑफ स्टडी मेंबर है महाराष्ट्र स्टेट के लिए और एक्स बोर्ड ऑफ स्टडी मेंबर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, अभी फिजिक्स के भी हैं। 26 साल का मैडम का जो अनुभव है शिक्षण टीचिंग एक्सपीरियंस, और 10 साल से कंप्यूटर साइंस के फील्ड में एचओडी रह चुके हैं। 6 अलग अलग फॉरेन यूनिवर्सिटी में वंदना मैडम ने विजिट किया हुआ है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लिए हुए हैं और मेंबर ऑफ सिलेबस डिजाइनिंग एंड पेपर सेटिंग कमिटी के तौर पर भी काम कर चुके हैं। 7 पेपर्स अलग अलग जो है इंटरनेशनल जर्नल में मैडम के जो है पब्लिश हुए हैं, 10 अलग अलग पेपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैडम के पब्लिश हुए हैं और 12 पेपर जो है टोटल रिसर्च पेपर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में पब्लिश हुए हैं। मैडम ने बहुत सारे जो है वर्कशॉप और ऑनलाइन वेबिनार्स कॉन्फ्रेंस भी जो है अटेंड किए हुए हैं। तो ऐसे डॉक्टर वंदना मैडम हमारे साथ जुड़े हैं, बड़े बड़े गर्व की बात है हम सभी के लिए। उसके बाद में हमारे साथ गिरीश डावरे सर, जो कि सीएम 2013 में रह चुके हैं। उसके बाद में सर मुझे बताने में खुशी हो रही सब लोगों को कि यहाँ पे इस फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक के पीछे कौन आदमी, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते थे हमेशा, तो गिरीश डावरे सर है। गिरीश डावरे सर ने महाराष्ट्र के हर बच्चे के लिए बहुत बढ़िया नोट्स प्रोवाइड किए फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई उनसे मुनाफा नहीं लिया है और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे न्यू सिलेबस पे पूरे के पूरे नोट्स सर ने प्रोवाइड किए। और अब बात करेंगे रविंद्र मगर सर, प्रोफेसर रविंद्र मगर सर, एमएससी फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स बीएड सर, देवगिरी जूनियर कॉलेज औरंगाबाद में फिजिक्स के लेक्चरर हैं। 1989 से 2008 तक इन्होंने काम किया, फिर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स 2000 से 2008 भी थे, चीफ मॉडरेटर एंड पेपर सेटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन एचएससी बोर्ड फॉर 5 ईयर्स, मॉडरेटर ऑफ फिजिक्स फॉर 2 ईयर्स, एट प्रेजेंट फ्रॉम 2008 डायरेक्टर ऑफ साइंस अकेडमी कंडक्टिंग नीट एंड जेई। तो स्वागत है रविंद्र मगर सर आपका इस सेशन में। तो सबसे पहले आज का जो मेन उद्देश्य है हमारा इस चैनल पे जो ज्वाइन होने का, तो बहुत सारे बच्चे के मतलब महाराष्ट्र की सफरिंग करते हैं कि सर पढ़ाई तो बहुत करने वाले स्टूडेंट है लेकिन हर बच्चे को मार्क्स नहीं आते। जैसे कि सबसे ज्यादा सभी को पता है कि फिजिक्स में एक मतलब डर पैदा होने वाला है, फिजिक्स के बारे में जो निगेटिव थिंकिंग है उसको हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं आज पॉजिटिव थिंकिंग में। ऐसा क्यों सर, आप ही खुद बोल रहे हैं निगेटिव थिंकिंग नहीं, निगेटिव थिंकिंग इसलिए कि मुझे कॉल्स आते रहते हैं हमेशा और इस कॉल पे बात होती है कि सर हम लोगों को फिजिक्स में न्यूमेरिकल का डर लगता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर डेरिवेशन के बारे में डर लगता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आज हम लोग लेके आए हैं कि जैसे कि सबसे पहले मैं पाटिल सर से सवाल पूछना चाहता हूँ। पाटिल सर आपके लिए सवाल है, जैसे कि आप चीफ रिसोर्स पर्सन हो फॉर द स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र रह चुके हो, तो आपका जो अनुभव से क्या स्टूडेंट को गाइड करना चाहते हो? पहली बात मैं एक आधी मराठीत सांगतो नंतर वाटल्यास हिंदी तरी असेल बेटर। वेलकम ऑल स्टूडेंट्स, फिजिक्सला पहिली गोष्ट भीती जी महाराष्ट्र पसरलेली आहे, महाराष्ट्र बाहेर सांगत नाही पण ही भीती जी आहे ती भीती आपण घाबरायचं नाही अजिबात, आपण अभ्यास इतका करायचा की फिजिक्स आपल्याला घाबरायला पाहिजे। कारण आताच तुम्ही इंट्रोडक्शन मध्ये ऐकलं असेल की आउट ऑफ मार्क कितीतरी विद्यार्थ्यांना पडलेले आहेत की त्यांना भीती वाटली असती तर पडले नसते। अँड व्हॉट इज ट्रू विथ माय स्टुडंट्स द सेम इज ट्रू फॉर ऑल स्टुडंट्स इन महाराष्ट्र आय एज्यू मायसेल्फ। आणि त्यामुळं फिजिक्सला न घाबरता सराव करायचा, मॅक्झिमम सराव करायचा आणि जेवढा ज्यावेळी आपले सर आपल्याला शिकवत असतात त्यावेळी आपलं 100% आपण अटेन्शन तिथं असलं पाहिजे आणि अंडरस्टँडिंग आपलं होणं अत्यावश्यक असतं। एकदा समजलं की फिजिक्स कधी विसरत नाही असं माझं प्रामाणिक मत, आणि त्यामुळं घाबरायचं नाही। किती टेन्शन आपल्याला खूप येतं आणि टेन्शनमुळं आपला जो नॅचरल परफॉर्मन्स असतो त्यापेक्षाही आपला परफॉर्मन्स कमी होतो। सर्वांनी सोनोमीटर वायरचा एक्सपेरिमेंट केलेला असतो किंवा कोणतंही स्ट्रिंग इन्स्ट्रुमेंट आपण घेतलं त्याला त्यातून प्रेझेंट साऊंड निघण्यासाठी त्याला छेडावं लागतं आणि छेडण्यापूर्वी त्यामध्ये थोडा ताण असावा लागतो। जर आपण जास्त वेट लावलं तर वायर तुटू शकते। फिजिक्सच्या बाबतीत बहुतेक वेळा आपण मानसिक दडपण इतकं घेतो की फिजिक्स आपल्या आत न येता ते बाहेरच रिफ्लेक्ट होऊन जाऊ शकतं, ते होऊ नये यासाठी आपल्याला अगदी
प्लेझंट साऊंड एखाद्या वायर मधून किंवा स्ट्रिंग मधून जसा निघतो तितकाच आपल्याकडे ताण असायला पाहिजे. बाकी सगळं आपण टेन्शन फ्री शिकायला पाहिजे आणि जेवढं आपण टेन्शन फ्री अभ्यास फिजिक्सचा करू तेवढं फिजिक्सची भीती कमी होईल आणि जेवढी भीती कमी होईल तेवढा आपला नॅचरल परफॉर्मन्स जास्त होतो. त्यामुळं सर्वच विद्यार्थ्यांनी फिजिक्सला न घाबरता अगदी चांगल्या पद्धतीनं त्यांनी सामोरं जावं असं मला. उसके बाद में मैं बाफना सर से क्वेश्चन है. सर आप सीएम रह चुके हो तो हाँ बोलो. हाँ सर आप सीएम रह चुके हो तो तब स्टूडेंट के मार्क कैसे दिए जाते थे ये एक्सपीरियंस शेयर करना है आपको. मतलब कि स्टूडेंट को मार्क देते समय किस किस चीजों पे ध्यान दिया जाता है कि कैसे मार्क दिए जाते हैं. हाँ तो मैं इस बारे में एक बात बोलूंगा. जनरली जो मराठवाड़ा के बच्चे उनको ये पता नहीं है जैसा स्किल ओरिएंटेड डायग्राम अगर पूछी गई तो उस डायग्राम में सिर्फ चार लेबलिंग एक्सपेक्टेड रहते और हमारे पास विद्यार्थी लेबलिंग करना छोड़ देते बिना फालतू तो 8 से 10 लेबलिंग करते. दूसरा जब अगर एमसीक्यू का आंसर लिखना है तो उसका ऑप्शन ए बी सी डी के साथ टोटल आंसर लिखना चाहिए. और सबसे ज्यादा जो मार्क कट होते बच्चों के वो इसमें होते कि प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल जो रहते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको एक्सपेक्टेड रहता फर्स्ट यू राइट द डेटा कन्वर्ट इट इनटू वन पर्टिकुलर यूनिट. आप यूनिट में कन्वर्शन नहीं करते और दूसरा करेक्ट फार्मूला लिख के सब्स्टिट्यूशन करेक्ट करना चाहिए कि तो फार्मूले को हाफ मार्क सब्स्टिट्यूशन हाफ मार्क एंड रिजल्ट विद प्रॉपर यूनिट हाफ एंड हाफ ईच. तो ये जो टेक्निक है जब भी आपको कोई प्रॉब्लम छोड़ाना है तो उस प्रॉब्लम का पहले तो आप गिवन डेटा एक पर्टिकुलर यूनिट ऐसा यूनिट में सब कन्वर्ट कर लीजिए. दूसरा फार्मूला बराबर लिखिए फार्मूले में सब्स्टिट्यूशन करिए कि तो फार्मूले का हाफ मार्क है सब्स्टिट्यूशन का हाफ मार्क है. भले आपका आंसर गलत आया क्योंकि आपको एक मार्क ही मिलेगा. अगर दो मार्क का प्रॉब्लम है तो भी मिनिमम एक मार्क आपको फार्मूला और करेक्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए है. तीसरा जब भी डायग्राम के क्वेश्चन रहेंगे रे डायग्राम से एरो नहीं रहा तो उसमें भी बच्चों के मार्क जाते. तो जहां भी डायग्राम निकालना है वहां कम से कम चार लेबलिंग करना और जहां तक हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है जैसा पोटेंशियोमीटर या मीटर ब्रिज तो इसमें बच्चे क्या करते हैं डायग्राम भी निकालेंगे उसकी लेबलिंग भी करेंगे फिर कंस्ट्रक्शन भी करते हैं. ऐसा डबल डबल करने की जरूरत नहीं है. वंस यू ड्रॉ ए डायग्राम एवरीथिंग विल बी देयर इन द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट. तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि फॉर्मूला करेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिजल्ट विद प्रॉपर यूनिट ये अगर सही तरीके और सबसे इम्पोर्टेंट 3 मार्क और 4 मार्क फिजिक्स में याद करना बोलते क्या करते हैं बच्चे थ्योरी पार्ट ज्यादा याद करते हैं. थ्योरी पार्ट याद करेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई 4 मार्क का सवाल है कि ऑप्टेन ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन डायग्राम इसको 1 मार्क होगा उसका वर्किंग इसको 1 मार्क होगा और मैथमेटिकल फॉर्मूला मैथमेटिकल स्टेप जो है मैथमेटिकल स्टेप में क्या आएगा कि अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू अ क्लोज लूप एबीसी देन टू अ क्लोज लूप बीसीडी हाफ मार्क ईच एंड देन फॉर कंडीशन फॉर इक्वालिटी दैट इज करंट फ्लो थ्रू कैनोमीटर इज 0. सो यू गो थ्रू ओनली मैथमेटिकल पार्ट. फिजिक्स अगर आपको आसान लगना है तो आप सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट पे ध्यान दीजिए. थ्योरी पार्ट अगर आपने 4 लाइन लिखा डिस्क्रिप्शन तो भी हाफ मार्क मिलेगा 2 लाइन लिखा तो भी हाफ मार्क मिलेगा. तो बच्चों ने फिजिक्स की तैयारी करते वक्त सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट डायग्राम और करेक्ट डेफिनेशन और जहां तक न्यूमेरिकल्स का सवाल है आप सिर्फ टेक्स्ट बुक के सॉल्व और अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स देखना है. अभी आपके पास इतना समय नहीं है. मैं फिर कहता हूं कि न्यूमेरिकल्स आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक के सॉल्व और अनसॉल्व इतना ही देखें क्योंकि आपको बहुत कुछ सक्सेस मिलेगा. और जब भी आप प्रॉब्लम छुड़ाना चाहेंगे उस समय आप करेक्ट पहले तो कन्वर्शन कर लेना चाहिए सारे फिजिकल क्वांटिटी को. दूसरा फार्मूला व्यवस्थित लिखो. फॉर्मूले के बाद में आपको सब्स्टिट्यूशन करना है. कई बच्चे होशियार होते हैं नीट जेडब्ल्यू में टॉपर रहते हैं लेकिन बोर्ड में मार्क्स स्कोर करने की टेक्निक है. यू राइट द करेक्ट फॉर्मूला यू सब्स्टिट्यूट द करेक्ट वैल्यूज यू विल गेट हाफ मार्क ईच फॉर फॉर्मूला एज वेल एज फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर विद प्रॉपर यूनिट. रिमेंबर वन थिंग दैट इवन इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू गेट द करेक्ट आंसर स्टिल यू कैन स्कोर 1 मार्क आउट ऑफ 2 मार्क मींस 50% मार्क विल बी देयर ओनली फॉर राइटिंग द करेक्ट फॉर्मूला एंड सब्स्टिट्यूशन. और तीसरा डायग्राम में मिनिमम 4 लेबलिंग का बस इतने मुझे बोलना है. और थ्योरी पार्ट नहीं याद होता लिव इट ओनली मैथमेटिकल पार्ट डेरिवेशन वाला पार्ट कंप्लीट कीजिए. मुकेश सर. हाँ सर. मैं कुछ बोलना चाहूंगा. बाफना सर को बहुत बहुत मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि बच्चों के मन में सबसे इंपॉर्टेंट यही सवाल रहता है कि सर न्यूमेरिकल कहाँ से आएंगे. बच्चे कंफ्यूज है. कभी कभी उनको गलत गाइडेंस मिलता है और वो बच्चे यहाँ वहां से अलग पब्लिकेशन भी न्यूमेरिकल के लिए अलग बुक लेके तैयार करते हैं.
तो ये जो सर ने भावना सर ने क्लियर किया बहुत अच्छी बात है कि मैक्सिमम टेक्स्ट बुक के अंदर जो सॉल्व एग्जाम्पल्स क्वेश्चन दिए न्यूमेरिकल्स और जो एक्सरसाइज के अंदर जो अनसॉल्व है अगर उतना भी बच्चे कर ले तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात मैं भी जब भी फिजिक्स वगैरह के लेक्चर्स में देखता हूँ कि जो कुछ डेरिवेशंस होते हैं तो बच्चों को उसका जो थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा टफ जाता है लेकिन डेरिवेशन वो करते हैं, थियोरेटिकल पार्ट को वो डरते हैं। तो यहाँ भी सर ने क्लियर किया कि अगर आप कोई फिजिक्स के अंदर कोई डेरिवेशंस है तो जरूरी नहीं कि उसका जो थियोरेटिकल पार्ट पूरा लिखें, और डेरिवेशन अच्छे से भी करते हैं तो भी मार्क्स मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात आपने सर क्लियर की यहाँ पर। तो यहाँ लगभग सर हमें बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, 7,500 के ऊपर बच्चे अभी देख रहे हैं और अभी जुड़ने वाले हैं सब धीरे धीरे। तो मोस्ट ऑफ सब साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे लगता है ये जो सेशन है इसका बहुत फायदा होने वाला है बच्चों को। तो धन्यवाद भावना सर। मुकेश सर कंटिन्यू। यस, मैं क्वेश्चन पूछूंगा सर, इसका एक्सप्लेनेशन बाद में आप दे दीजिए। उसके बाद में हमारे साथ मगर सर कनेक्ट हो चुके हैं। मगर सर, सर बाद में एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक मिनट सर, सॉरी। मगर सर आवाज पहुंच रही है सर? मगर सर, मगर सर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे साथ गिरीश डावरे सर कनेक्ट हो चुके हैं। एक्चुअली सर, गिरीश डावरे सर ने इस चैनल पे बहुत बड़ा काम किया है क्योंकि नोट्स प्रोवाइड की है, तो उस हिसाब से उनको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर आप एक तो चीफ मॉडरेटर रह चुके हो, दूसरी बात कि आपने के जो नोट्स है बेस्ट नोट्स ऑफ महाराष्ट्र के लिए दिए है बच्चे ने, तो इस नोट्स के हिसाब से और आपके सीएम के जो एक्सपीरियंस होल्डर्स है इससे आपको क्या गाइडेंस करना चाहते हैं स्टूडेंट को? नमस्कार, मी मराठीत गाइडन्स करेल सर्व मुलांना आणि फिजिक्स ज्ञान चॅनल आणि मुकेश सरांनी मला आपल्या सर्वांसमोर येण्यासाठी जी संधी दिली त्याच्याबद्दल मी सर्व त्यांचे आभार मानतो। तर मी एवढं सांगू शकतो मुलांना, एवढं सांगू इच्छितो की नेहमीच्या परीक्षेच्या वेळेस गायडन्स करणं, तुम्हाला नेहमीच्या परीक्षेच्या आधी गायडन्स करणं की पेपर कसा सोडवावा, त्याच्या आधी काय प्रिकॉशन्स घ्याव्या, आणि यावर्षी 2021 परीक्षेच्या आधी पेपर कसा सोडवावा, काय गायडन्स द्यावा, याच्यामध्ये फरक असणार आहे। कारण पूर्ण वर्ष तुमचं लॉकडाऊन मध्ये गेलेलं आहे, अर्ध्याच्या वर सिलेबस तुम्ही ऑनलाईन शिकलेला आहात, जवळपास 70-80% तुम्ही सेल्फ प्रिपरेशन केलेलं आहे, त्याबद्दल तुमचं सर्वांचं कौतुकच आहे। परंतु आता पेपर सोडवताना आताच पाटील सरांनी सांगितलं की तुम्ही टेन्शन फ्री राहा, टेन्शन फ्री जेवढं राहाल तुम्ही तेवढं तुम्हाला रिलॅक्सनेस येईल आणि तुमचा पेपर चांगला सोडवला जाईल। पण याच्यासाठी टेन्शन फ्री राहण्यासाठी मी तुम्हाला टेक्निक सांगतो। तुमच्याजवळ मॉडेल पेपर्स भरपूर असतील, वेगवेगळ्या पब्लिकेशन्सनी मॉडेल पेपर पब्लिश केलेले आहेत, ते तुमच्याजवळ आलेले असतील, तर त्याची प्रॅक्टिस तुम्हाला आधी करावी लागेल। प्रॅक्टिस कशी करायची? तर प्रॅक्टिस करताना सुद्धा टेन्शन फ्री प्रॅक्टिस करायची। तुम्ही तुमच्याकडे जे स्टडी मटेरियल आहे त्याचा यूज घेऊन पहिला पेपर सॉल्व्ह करा। म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर तुमच्यावर कोणतंही बंधन नाही, ना टाइमचं बंधन आहे, ना पुस्तक बघण्याचं बंधन आहे। फक्त त्या सेशनमध्ये तुम्हाला एवढं कळेल की पेपरचं स्ट्रक्चर काय, तो पेपर सोडवण्यासाठी आपण कसा पेपर सोडवतो आणि पेपर सोडवण्याची स्टाईल कशी आहे हे तुम्हाला समजणं अत्यंत आवश्यक आहे। त्याच्यामुळे तुम्ही पहिला पेपर जेव्हा सोडवता तेव्हा तुम्ही स्टडी मटेरियल तुमच्या शेजारीच ठेवा, त्याच्यातून बघून सोडवा आणि पेपर पॅटर्नचा अभ्यास करा। क्वेश्चन 1 कसा सोडवायचा आहे, क्वेश्चन 2 कसा सोडवायचा आहे, क्वेश्चन 3 कसा सोडवायचा आहे आणि लास्ट पर्यंत तुम्हाला कसं जायचं, त्याच्यामध्ये तुम्हाला क्वेश्चन पॅटर्नचं स्वरूप समजेल। आता आपला फिजिक्सचा जो क्वेश्चन पेपर आहे तो पेपर कसा आहे, त्याच्यामध्ये टोटल 4 सेक्शन आहेत, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी आणि सेक्शन डी, असे 4 सेक्शन आहेत त्याच्यामध्ये। तर सेक्शन ए हा सर्वात सोपा सेक्शन आहे, त्याच्यामध्ये एमसीक्यूज आहे आणि व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन, एका ओळीत किंवा जास्तीत जास्त 2 ओळीत त्याचं उत्तर तुम्हाला लिहायचं आहे। पण हा जो सेक्शन ए आहे जेवढा सोपा वाटतो तेवढाच अवघड सुद्धा आहे, कारण पाठांतर करून किंवा रट्ट मारून हा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता येत नाही। हा क्वेश्चन अटेम्प्ट करण्यासाठी थरो स्टडी लागते, कारण कोणता एमसीक्यू तिथे पडेल हे सांगता येत नाही। तुम्ही 1001 एमसीक्यू जरी एका चॅप्टरचे स्टडी केले तरी त्याच्यापेक्षा वेगळा एमसीक्यू त्या चॅप्टरचा तिथे येऊ शकतो। त्याच्यामुळे हा क्वेश्चन जेवढा सोपा आहे अटेम्प्ट करायला तेवढाच अवघड सुद्धा आहे, कारण पाठांतर करून हा क्वेश्चन आपल्याला सोडवता येत नाही। मग त्यामुळे काय करायचंय की हा क्वेश्चन
थोडासा आरामात सोडवायचा आहे, त्याच्यासाठी स्पेस सोडून द्यायची आहे आणि आरामात सोडवायचा आहे, विचार करून सोडवायचा आहे. त्याचं कारण असं आहे की हा क्वेश्चन सोडवताना बोर्डनी आन्सर पेपर तपासताना काही गाईडलाईन दिलेल्या आहेत. त्या गाईडलाईन अशा आहेत की हा क्वेश्चन रिपीट सोडवता, रिपीट सोडवता आला. हा एखादा क्वेश्चन, एखाद्या स्टुडंटने हा क्वेश्चन सोडवला आणि त्याला वाटलं की हा चुकला आपलं, आपण परत सोडू, तर रिपीट सोडवलेल्या क्वेश्चन इग्नोर करा, त्याला तपासू नका, अशा बोर्ड कडून गाईडलाईन्स असतात. प्लस खाडाखोडी सुद्धा या क्वेश्चन मध्ये जमत नाही. समजा तुम्ही एमसीक्यू मध्ये एखादा आन्सर लिहिलं आणि तुम्हाला वाटलं की ते चुकीचं आहे, आपण दुसरं करेक्ट आहे, ते कट करून तुम्ही दुसरं करेक्ट लिहिलं, तर खाडाखोडी केलेल्या आन्सरला सुद्धा इग्नोर करा, तर बोर्डनी सांगितलेला आहे. त्याच्यामुळं हा क्वेश्चन सोडवताना अतिशय सांभाळून जोपर्यंत फायनल आन्सर करेक्ट आपल्या डोक्यामध्ये तयार होत नाही तोपर्यंत ते लिहिण्याची घाई करायची नाही. हे सेक्शन ए बद्दल सांगतो, म्हणजे एमसीक्यू आणि व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन, याच्यात खाडाखोडी जमणार नाही आणि रिपीट क्वेश्चन सोडवायला सुद्धा जमणार नाही. त्याच्यामुळे दोन पेजेस ह्याच्यासाठी ब्लँक सोडा तुम्ही आणि मग सेक्शन बी आधी स्टार्ट करा. जोपर्यंत तुमच्या डोक्यामध्ये परफेक्ट आन्सर तयार होत नाही सेक्शन ए, तोपर्यंत त्याला आन्सर पेपरवर रिप्रेझेंट करू नका. जेव्हा परफेक्ट सोल्युशन तुमच्या डोक्यात तयार होईल तेव्हाच ते रिप्रेझेंट करा, अन्यथा मग बऱ्याच हुशार विद्यार्थ्यांचं याच्यामध्ये नुकसान होतं, कारण त्यांनी तो क्वेश्चन एकतर रिपीट सोडवला असतो किंवा तिथं खाडाखुडी केलेली असते. आता गोष्ट अशी आहे की एमसीक्यू सोडवताना सुद्धा मी एक गायडन्स करेन की काही विद्यार्थी काय करतात, एमसीक्यू मध्ये नंबर एक टाकतात आणि त्याचा आन्सर ए आय असं लिहितात, नंबर दोन टाकतात त्याचा आन्सर सी आय असं लिहितात, नंबर तीन टाकतात त्याचा आन्सर डी आय असं लिहितात, किंवा काही काही विद्यार्थी काय करतात पूर्ण क्वेश्चन लिहून काढतात. हे दोन्ही पद्धती चुकीच्या आहेत. त्याच्यामध्ये अपेक्षित एकच गोष्ट आहे की त्याचा ऑप्शन नंबर म्हणजे ए किंवा बी किंवा सी किंवा डी आणि करेक्ट आन्सर ह्या दोनच गोष्टी लिहिल्या पाहिजेत. म्हणजे त्याच्या सोल्युशन मध्ये क्वेश्चन नंबर म्हणजे एमसीक्यू नंबर वन, त्याचा ऑप्शन नंबर बी आणि त्याचा आन्सर टोटल आन्सर, हे एवढंच आलं पाहिजे, बाकी तिसरं काहीही तिथे असू नये. प्लस व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला एक किंवा दोन वेळीच ते आन्सर रिप्रेझेंट करायचे, खूप लांबट लावत बसायची नाहीये त्याच्यामध्ये. आता टेन्शन फ्री होण्यासाठी तुम्ही काय करा, पेपर सोडवा, पहिल्यांदा पूर्ण बघून सुद्धा सोडू शकता, नंतर हळूहळू प्रॅक्टिस करत करत दोन तीन चार पेपरची अशी संख्या वाढत गेली तर तुमचा गेस सुद्धा होईल, प्लस तुमची प्रॅक्टिस वाढत जाईल आणि तुम्ही इंडिपेंडेंट होत काहीही न बघता पेपर सोडवण्याची प्रॅक्टिस तुम्हाला होईल. आता बाफना सरांनी सांगितलं की प्रॉब्लेम सोडवण्यासाठी तुम्ही काय करू शकता, प्रॉब्लेम सोडवण्यासाठी स्टेप्स आहेत. तुम्ही फॉर्म्युला लिहिला तुम्हाला पहिला मार्क मिळतो, तुम्ही त्यात सबस्टिट्यूट केलं तुम्हाला दुसरा मार्क मिळतो, आणि तुम्ही कॅल्क्युलेशन करून आन्सर काढलं तुम्हाला तिसरा मार्क मिळतो. पण तुम्हाला हे सगळं करता येत नसेल, मी हे ऍव्हरेज स्टुडंट साठी सांगत आहे. ऍव्हरेज स्टुडंट काय करतात, प्रॉब्लेम आपल्याला येत नाही म्हणून सोडूनच देतात, त्याच्याकडे लक्षच देत नाही. मग त्याच्यामुळे ऍव्हरेज स्टुडंटनी किमान फॉर्म्युला लिहा, त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, तर तुम्हाला फॉर्म्युलाचा अर्धा मार्क मिळेल, व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केला त्याचा अर्धा एक मार्क मिळेल, आणि टोटल तीन पैकी एक दीड पर्यंत मार्क तुम्हाला मिळू शकतो. त्याचा राऊंड ऑफ होऊन दोन मार्क सुद्धा होतात बऱ्याच वेळा. त्याच्यामुळे प्रॉब्लेमकडे एकदमच दुर्लक्ष करायचं, आपल्याला हे येत नाही म्हणून सोडूनच द्यायचं, असं ऍव्हरेज स्टुडंटनी सुद्धा करू नये असं माझं स्पष्टपणे सांगणं आहे. प्लस शेवटची एक मी सूचना देऊ इच्छितो, पेपर सोडवताना तुम्ही काय करायचे, सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी आणि सेक्शन डी हे सिरियली सोडवायचे. बरेच मुलं काय करतात, सेक्शन ए सोडवतात मग सेक्शन बीचा एखादा क्वेश्चन सोडवतात, मग त्याच्यानंतर सेक्शन सीचा एखादा सोडवतात, त्याच्यानंतर सेक्शन डीचा सोडवतात, परत सेक्शन बीचा एखादा सोडवतात, अशी खिचडी करून टाकतात सगळ्या क्वेश्चनची. ही खिचडी केली तर नुकसान काय होतं हे सांगतो मी. पेपर जेव्हा आम्ही तपासत असतो, पेपर जेव्हा तपासत असतो त्यावेळेस होतं असं की असं जर जम्पिंग पॅटर्न असेल, खिचडी असेल, तर पेपर तपासणाऱ्याला त्रास होतो. आणि जेव्हा तो मानसिक त्रास होतो तेव्हा पेपर लिहिणाऱ्याचं इम्प्रेशन निगेटिव्ह होऊन जात. निगेटिव्ह याच्यासाठी की स्पष्ट कळतं की बा त्याला कुठून तरी काहीतरी आलेलं आहे, काय कॉपी आलेली आहे, काय या क्वेश्चन नंतर तो क्वेश्चन सोडवलाय, तो क्वेश्चन नंतर त्या क्वेश्चन सोडवलाय, आणि मग त्याचं इम्प्रेशन निगेटिव्ह होऊन जातं. आणि निगेटिव्ह इम्प्रेशन झालं की पेपर तपासणाऱ्याच्या हातातून मार्क्स सुटत नाहीत, तो थोडा हात आखडता घेतो, कारण निगेटिव्ह इम्प्रेशन झालेलं आहे. त्याच्यामुळे तुमचं जर निगेटिव्ह इम्प्रेशन पडायचं नसेल तर किमान सिरियली तर सोडवलं तर सर्वात चांगलं, पण किमान सेक्शन ए
त्याच्यानंतर सेक्शन बी, त्याच्यानंतर सेक्शन सी आणि लास्टला सेक्शन डी, असं सेक्शन वाईज तुम्ही आन्सर पेपर रिप्रेझेंट करा. खिचडी करू नका. खिचडी केली तर काय होईल की पेपर तपासणाऱ्याचा दृष्टिकोन तुमच्या पेपरकडे पाहण्याचा निगेटिव्ह होऊन जाईल आणि त्याच्यामुळे तुमचं नुकसान होऊ शकतं. हे नुकसान टाळण्यासाठी सिरियली क्वेश्चन अटेम्प्ट करा. ठीक आहे, क्वेश्चन वाईज घेऊ आपण, कारण की भरपूर मुलांचं म्हणणं आहे की सगळ्यांना एकदा चार मिनिटा म्हणजे पुन्हा एकदा क्वेश्चन येणार आहे तुमच्यावर. क्वेश्चन वाईज, क्वेश्चन वाईज सगळ्यांना एकदा स्क्रीनवर येणं गरजेचं आहे मुलांसोबत. मुकेश सर, मुकेश सर आवाज क्लिअर नाही येत आहे तुमचा, व्हायब्रेशन होत आहे आवाज मध्ये. हॅलो, माइक चेक. आवाज क्लिअर नाही आ रहा है, वापस बोलो. हॅलो, नाही आ रहा है दीदी, नाही क्लिअर नाहीये. साउंड सिक हो रहा है. हाँ, क्या हो रहा है सर? आवाज में नॉइज है आपके, डिस्टर्बेंस है. हेलो, आवाज नहीं आ रही अभी भी? अभी अच्छी नहीं है आवाज, क्लियर नहीं है. ओके ओके, वंदना मैम से कोई क्वेश्चन पूछ लो आप. आप जरा देखो, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. ओके, सो नमस्कार बच्चों के कमेंट्स में एक बहुत ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोगों से पूछना चाहेंगे, जो भी आपको लगे सुटेबल आप कोई भी जवाब देंगे तो बहुत अच्छा होगा. यहाँ पर बच्चे जो चाहते हैं कि बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन बैंक रिलीज हुआ है हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो फिलहाल जैसे बच्चों को मैं बता दूं यहाँ पर कि बच्चों ये आज जो है ना स्पेशली फिजिक्स के बारे में सब कुछ चालू है, फिजिक्स को लेकर चर्चा हो रही है. कुछ बच्चे कमेंट में डाल रहे हैं कि केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह, तो ये कल से अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग दिन में होगा, हम बताएंगे आपको. आज हम लोग सिर्फ फिजिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं. तो इस सर मैं ये क्वेश्चन ये बच्चों की तरफ से आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन बैंक रिलीज हुआ है बोर्ड की तरफ से, तो वो SCERT की टीम ने बनाया हुआ है, तो वो बच्चों के ऊपर, बच्चों को लगता है कि एक बर्डन जैसा आ गया है कि हमने साल भर तो इतने सारे पूरे चैप्टर किए प्रैक्टिस या रिविजन कर रहे हैं, तो अब हम क्वेश्चन बैंक करें कि टेक्स्ट बुक पढ़े फिजिक्स का, तो क्वेश्चन बैंक कितना उपयोगी हो सकता है इस साल के बच्चों के लिए, ये जानना चाहते हैं बच्चे. उसमें से कितना परसेंट फिजिक्स में से आने के चांसेस है ऐसा उनको लगता है, उनको ये क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या टेक्स्ट बुक पे फोकस करना चाहिए? तो श्योर सर, प्लीज मार्गदर्शन कीजिए. हाँ, धन्यवाद सर. मैं बता दूं? हाँ पाटिल सर, पाटिल सर. SCERT की टीम के जिन्होंने भी क्वेश्चन बैंक बनाया है, पढ़ाने वाले टीचर्स तो हमारे ही है, स्टेट बोर्ड में पढ़ाने वाले ये लोग है, वही तो उन्होंने बनाए है. फिर भी बच्चों को उस पर डिपेंड रहना नहीं चाहिए. ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस गिवन इन द टेक्स्ट बुक, क्योंकि पेपर सेटिंग तो पहले हो चुका है और क्वेश्चन बैंक बाद में आया हुआ है. क्वेश्चन बैंक एंड क्वेश्चन बैंक कहीं का ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि वो क्वेश्चन बैंक सामने रखकर पेपर सेटिंग हुआ है, इसलिए उसी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे. एक्सीडेंटली कोई क्वेश्चन उसमें जो हो सकते हैं, क्योंकि वो भी सिलेबस पर ही है. क्वेश्चन बैंक पर डिपेंड रहने के बगैर उन्होंने टेक्स्ट बुक का जो मैटर है उस पर ही डिपेंड होना चाहिए, उसमें से प्रॉब्लम देखना चाहिए. और ऐसा भी नहीं है कि प्रॉब्लम उसमें है वही आएंगे, ऐसा नहीं है. कुछ कुछ तो मॉडिफिकेशन करना रहता है. इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द पेपर सेटिंग टीम एज पर माई एक्सपीरियंस. इसलिए टेक्स्ट बुक के बाहर भी कई के मॉडिफाई करके कोई एग्जाम प्रॉब्लम्स निकालना पड़ता है. कई लोग डरकर निकालते नहीं है, ऐसा नहीं होता. कई कई लोग बेरे जैसे होते हैं, वो थोड़े मॉडिफाई करके निकालते हैं. फिर भी बच्चों को डरना नहीं चाहिए. जो भी प्रॉब्लम आएगा फिजिक्स का, उसका फॉर्मूला हमारे टेक्स्ट बुक में हमने जिसकी पढ़ाई की है वही रहेगा. इसलिए टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ भी नहीं रहता. सो फर्स्ट थिंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स, अभी पेपर कैसा सॉल्व करना डावरे सर ने बहुत अच्छा बता दिया है. एवरी स्टूडेंट मस्ट फॉलो ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय हिम. जो और कोई मुझे लगता है तो मैं आखिरी में बताऊंगा, जो बचता है तो मैं बताऊंगा. मगर क्वेश्चन बैंक पर डिपेंड रहना मुझे तो नहीं सही नहीं लगता है. उसमें से कोई जो सिमिलर क्वेश्चन है वो देखना जरूर है, और टेक्स्ट बुक के पूरा क्वेश्चन देख लिए तो कोई दिक्कत नहीं है. धन्यवाद पाटिल सर, आपने अपने विचार बताए क्वेश्चन बैंक को लेके. और कोई शिक्षक यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है क्वेश्चन बैंक का, सिर्फ 4 मार्क के जो क्वेश्चन है इसके लिए, बड़े क्वेश्चन जो रहते हैं
एक्चुअली उनको डरने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स में 4 मार्क के क्वेश्चन में 2 मार्क की थ्योरी और 2 मार्क का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने सिर्फ छोटे क्वेश्चन पे टारगेट करना, 2-2 मार्क के जो उनको आसानी से याद हो, और 3 मार्क के जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ डेरिवेशन वाला पार्ट, और 4 मार्क के जो क्वेश्चन है लास्ट का क्वेश्चन वाला 4 मार्क रहता है, रॉन्ग आंसर था वो 4 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें प्रोविजन ऐसा है कि 2 मार्क की थ्योरी और 2 मार्क का प्रॉब्लम, ऐसा मिला के 4 मार्क, और वो भी 2 मार्क की थ्योरी अगर थर्मोडायनेमिक्स है तो 2 मार्क का प्रॉब्लम करंट इलेक्ट्रिसिटी से, यानी बच्चे का कहीं भी मार्क नहीं जाएगा, कंडीशन इतना है उसने छोटे छोटे सवाल करना चाहिए, 2-2 मार्क के क्वेश्चन जो उनको आसानी से याद होते वही चीजें उसमें रिफ्लेक्ट हो, और डेरिवेशन वाला पार्ट 3 मार्क के क्वेश्चन जो है वो सिर्फ उसके अंदर डेरिवेशन वाला पार्ट लिखो, 100% सक्सेस होगा, उन्होंने डरना ही नहीं है, लॉन्ग आंसर के लिए जो दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक में वो शायद 2 या 3 घंटे में पूरे लॉन्ग आंसर फिजिक्स के हो जाते हैं, बच्चे ने अगर लेके बैठा तो 2 या 3 घंटे के अंदर आराम से, और जो उनको याद होता है वही याद करना, जो क्वेश्चन याद नहीं होता वो कोई टीचर भी नहीं डालता, एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं जैसा पोलराइजेशन, ये फिजिक्स का कंसेप्ट मेजर टीचर को क्लियर नहीं होता तो वो कभी भी क्वेश्चन में नहीं डालेगा, उसको मालूम है मेरे क्लास का एवरेज बच्चा ये चीज पे लिख नहीं पाएगा, तो जो बच्चों को याद होता छोटे छोटे सवालों पर फोकस करना, डेफिनेट स्कोर होगा, लॉन्ग आंसर का डरना नहीं। मगर सर बोलना चाहते हैं इस पर शायद, हाँ मगर वीडियो चालू कीजिए सर, अब माइक चालू कीजिए, आवाज आ रही है कि एक मिनट सर, आवाज आ रही है सर, आपके आवाज में ना नॉइज है मुकेश सर, नॉइज है हाँ, क्लियर नहीं आ रहा है, चेक कर लो, मगर सर बोलिए सर, माइक चालू कीजिए, माइक चालू कीजिए मगर सर, एक मिनट, हेलो आवाज आ रही है सर मेरी अच्छी, अभी अभी क्लियर है मुकेश सर, आपकी आवाज क्लियर है सर, पाटिल मैडम और वानी सर और मगर सर को एक बार एक एक क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि सभी को एक एक बार बात करना बहुत जरूरी है, यहाँ पर थोड़ा समझ देना चाहूंगा सर, एक मिनट, पाटिल सर ने जो भी बताया जो मगर सर बोल रहे हैं, मगर सर को सर बोलने के सर आवाज येतोय का, ये तो सर बोला सर, ओके, आता मला सगळ्यात अगोदर काय म्हणायचंय की इथं या कोविडमुळे सगळी महाराष्ट्रातली मुलं अशी दीन झालेली आहेत आणि मूक होऊन हे सगळं बघतायत, आणि मला एक योगायोग वाटतो की दिनेश आणि मुकेश म्हणजे दीन आणि मूक झालेल्यांसाठी हे ईश म्हणून आज इथं अवतरलेत की काय असं वाटण्यासारखी खऱ्या अर्थानं परिस्थिती, एवढे मुलं जर जॉईन झाले असतील तर त्यांना एक प्रॉपर गायडन्स या निमित्तानं माझे सगळे सहकारी लोक करतायत आणि मी पण केलं पाहिजे। सगळ्यात अगोदर मी असं सांगेन की फिजिक्सचा हा क्वेश्चन पेपर टोटल 98 मार्क्स असतो आणि त्यातनं आपल्याला सोडवायचं फक्त 70 मार्क्स, हा एक भाग। क्वेश्चन पेपरचं नीट अनालिसिस केलं आपण तर आपल्या असं लक्षात येईल की जी मुलं JEE नीट किंवा CET याच्यासाठी छान तयारी करतायत, त्यांचे न्युमेरिकल्स बऱ्यापैकी परफेक्ट झाले आहेत, एक्सपर्ट आहेत, आय ऍडवाइज देम की तुम्हाला फक्त न्युमेरिकल्सवर, ओनली न्युमेरिकल्स, कुठलाही थेरी पार्ट करायचा नाही, फक्त न्युमेरिकल्स पटकन सॉल्व्ह करून तुम्ही आउट ऑफ 70-30 मार्क्स मिळवू शकता। अटेम्प्ट एनी 2, अटेम्प्ट एनी 8 असं जे त्याच्यामध्ये प्रोव्हिजन आहे त्याचा फायदा आपण घ्यायचा। नंबर 2, ज्या मुलांना न्युमेरिकल्स टफ वाटतात, जमतच नाहीत आणि इकडं नॉन एंट्रान्सच्या कोर्सेसला जायचं आहे, त्यांना माझा ऍडवाइस असं आहे की त्यांनी फक्त थिअरी जरी केली तर थिअरीमधनं त्यांना 57 मार्क्स मिळू शकतात, त्यांना एकही न्युमेरिकल करण्याची गरज नाही, त्यांना 57 मार्क्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ थिअरी मिळू शकतात। आता दोन्ही जे करतील वेल अँड गुड। मी आणखी ऍड या ठिकाणी असं करेल की काही मुलांचं असं अपेक्षा असते की सर मला हिट सेक्शन फारसा आवडत नाही किंवा मला मॉडर्न फिजिक्स मधला एखादा चॅप्टर आवडत नाही किंवा मला तो समजतच नाही, मी ऍडवाइस करेल आउट ऑफ हे जर आपलं स्वप्न नसेल आणि जनरली अलीकडच्या काळामध्ये बोर्डात आउट ऑफ असं काही कोणी अपेक्षा ठरत नाही, तेव्हा तुम्ही तुम्हाला न आवडणार एखादं सेक्शन ड्रॉप केलं या वर्षापुरतं मी ऍडवाइस करेल की समजा मला हिट सेक्शन आवडत नाही, यू ड्रॉप इट। त्याच्यामुळे होईल काय, कंपल्सरीली फक्त आपले त्या चॅप्टरचे त्या सेक्शनचे 4 ते 5 मार्क जातील, फारसा फरक पडणार नाही। म्हणून काही सिलेबस, काही पार्ट, स्पेशल नॉट सिलेबस, एखादा टॉपिक, एखादं सेक्शन आपण स्वतःहून ड्रॉप केलं आणि उरलेला अभ्यास जर चांगला केला तर माझा ऍडवाइस आहे दोन्ही करणाऱ्यांना छान मार्क मिळतातच, पण सिंगल थिअरी किंवा ओनली न्युमेरिकल अशाही बेसनं आपण जाऊ शकता। आणि मला आणखी एक गोष्ट या ठिकाणी ऍड करायची, तो वेळ घेऊन मी मुद्दाम सांगणार आहे की अलीकडच्या काळामध्ये बोर्ड परीक्षेला किंवा त्याच्या मार्क्सला फार महत्व नाही,
असं कृपया आपण समजू नका. कारण भविष्यामध्ये जेव्हा आपण एमपीएससी युपीएससी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम द्याल तेव्हा बायोडाटामध्ये बोर्डच्याच मार्कचा उल्लेख असतो, कुठेही एंट्रान्सचा मार्क आपल्या बायोडाटामध्ये येत नाही. तेही आपण एक लक्षात घ्यावं. आणि जेव्हा इंजिनिअरिंग मेडिकल वेगवेगळ्या कॉम्प्युटर एक्झामचे आपल्या जेव्हा मेरिट लिस्ट लागतात तेव्हा देखील बोर्डाचे मार्क हे महत्वाचा रोल प्ले करतात. सो दॅट्स वाय आय ऍडवाईज यू की तुम्ही या पद्धतीनं फिजिक्सकडे जा, उत्तम मार्क्स मिळू शकतात आणि आपल्याला फिजिक्स शिकण्याचा आनंदही मिळू शकतो. धन्यवाद. उसके बाद में सर एक मिनट में उसके बाद में आपको डॉक्टर वंदना दादो पाटिल मैम ये यहाँ पे बोर्ड ऑफ स्टडी मेंबर्स है मैम, तो आप जो सिलेबस डिजाइन करते हो तो किन बातों को ध्यान में रखते हुए इस सिलेबस को डिजाइन किया जाता है, या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जैसे कि एमएचटी सीईटी नीट जेईई या एसआईटी, जो भी सिलेबस के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस करना है सर. कंपल्सरी सब्जेक्ट आहे आणि तो जो सब्जेक्ट आहे तो स्कोरिंग सब्जेक्ट असंही म्हणता येईल, कारण नीट असू द्या जेई असू द्या ह्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मधला हा महत्वाचा सब्जेक्ट आहे, किंवा स्कोर डिसायडर सब्जेक्ट असं सुद्धा आपण म्हणू शकतो. याचा स्कोर चांगला असेल त्या मुलांचा नॅचरली ओव्हरऑल स्कोर हा चांगला येतो असं ऑब्झर्वेशनमध्ये आहे. आणि याचे जे बेसिक कन्सेप्ट आहेत फिजिक्सचे ते सगळे इलेव्हन्थ आणि ट्वेल्थ मध्ये कव्हर होतात, की ज्याचा बेस हा फ्युचर एज्युकेशनसाठी कुठलंही पुढचं शिक्षण असू द्या मुलांचं त्याच्यासाठी हा पाया असतो. आणि हे सगळं गृहित धरूनच बालभारतीने 2019 आणि 20 यावर्षी 11वीचं आणि नंतर 12वीचं पुस्तक हे बाजारात आणलं. त्याच्या मागचा उद्देश हाच होता की मुलांचा स्टडी आहे तर त्या जे शिकायचं आहे जे एम आहे ते गाठायच्या दृष्टीने हे पुस्तक बनवावं असा उद्देश होता. आणि त्याच्यासाठी म्हणून राष्ट्रीय आणि राज्याचे सिलेबस असं फ्रेमवर्क त्याला आपण नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क आणि स्टेट करिक्युलम फ्रेमवर्क असं म्हणतो, तर या फ्रेमवर्क आणि हे सिलेबस समोर ठेवून कलेक्टिव्हली असा एक सिलेबस तयार केला गेला. आणि हा जो सिलेबस आहे तो नॅशनल लेवलला टॅकल करेल असाच सिलेबस बनवण्यात आला. हा सिलेबस किंवा पुस्तक बनवताना आमच्या समोरचे ऑब्जेक्टिव्ह जे होते ते मी पुढे डिस्कस करते. पहिला ऑब्जेक्टिव्ह असा होता की वैज्ञानिक दृष्टिकोन या विषयाबद्दलचा मुलांमध्ये तयार व्हावा, जागरूकता निर्माण व्हावी मुलांमध्ये, डिस्टर्बन्स होत आहे सर. मुकेश सर हॅलो, वेगळा व्हिडिओ दिसला. मगर सर व्हिडिओ बंद करा. हा कंटिन्यू करा मॅडम, हा कंटिन्यू करा. तर ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये पहिला ऑब्जेक्टिव्ह मला सांगता येईल की वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण व्हावा मुलांचा, आणि जे फिजिक्स आपण अवतीभोवती बघतो तर ते फिजिक्स मला माझ्या पुस्तकातही दिसलं पाहिजे आणि पुस्तकातलं फिजिक्स मला बाहेरही दिसलं पाहिजे, हा एक आमचा महत्वाचा कन्सेप्ट होता आणि तोच या पुस्तकात दिसतोय तुम्हाला. स्वअध्ययन म्हणजे सेल्फ स्टडी मुलांनी करावी हा या पुस्तकामागचा उद्देश आहे, की जेणेकरून हे पुस्तक बनवताना युजर फ्रेंडली बनवलं आहे. कंटेंट जर तुम्ही बघाल तर जास्त इलॅबरेट केलेले आहेत, जास्तीत जास्त डायग्राम्स फिगर्स ह्या वापरलेल्या आहेत आणि कलरफुल तर ऑब्व्हियस आहेच आहे. त्याशिवाय टेबल्स दिलेले आहेत की ज्या टेबल्समध्ये तुम्हाला कलेक्टिव्हली फॉर्म्युलेज किंवा कम्पॅरेटिव्ह स्टडी किंवा आपण शॉर्ट नोट्स जसं म्हणतो त्या पॅटर्नमध्ये काही टेबल्स तुम्हाला याच्यात दिसतील, जे तुम्हाला कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम आणि समजून घ्यायला सोपं जाईल याच्यासाठी आहेत. याशिवाय इमोजीज खूप सारे वापरलेले आहेत, की इमोजीजमुळे मुलांची वैचारिक जी वाढ आहे तर ती व्हावी आणि त्यांच्या बुद्धीला चालना मिळावी असे पण आहे. ब्रेन बुस्टर सारखे क्वेश्चन्स पण विचारले आहेत, की जेणेकरून ज्या मुलांना इंटरेस्टली फिजिक्स स्टडी करायचं आहे त्यांना आणखीन त्याच्यावर विचार करून, किंवा रिसर्च साईडला जाणाऱ्या मुलांसाठी पण या पुस्तकातून स्कोप देण्यात आलेला आहे.
बेसिक कन्सेप्ट सहज समजावेत हे तर त्याच्यात ओघात आलंच, पण त्या बेसिक कन्सेप्टला जोडूनच खाली न्यूमरिकल्स दिलेले आहेत, त्याच्या रिलेटेड ऍक्टिव्हिटीज दिलेल्या आहेत. याचा फायदा असा होतो की अनालिटिकल ॲबिलिटी जी मुलांची आहे तर ती वाढावी. आपल्या माझ्या तरी निदर्शनात असं येतं की बरेचशी मुलं फिजिक्सचे न्यूमरिकल म्हणलं की नको म्हणतात किंवा अवघड आहे असं म्हणतात, तर तो पाठ काही तितका अवघड नाही. जर तुम्हाला थेरी व्यवस्थित समजली आणि त्या थेरीच्या रिलेटेड तुम्ही न्यूमरिकल सॉल्व केले तर ती थेरी ते न्यूमरिकल्स तुमच्या जास्त लक्षात राहतील आणि ते न्यूमरिकलचा जो फोबिया आहे तुमच्या मनातला तर तोही निघून जाऊ शकतो. कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स समोर ठेवून नीट आणि जेई एक्झाम्स असू द्या किंवा नॅशनल लेवलच्या ज्या कुठल्या एक्झाम्स आहेत त्या समोर ठेवून पुस्तकामध्ये किंवा सिलॅबसमध्ये 11वी आणि 12वीच्या सिलॅबसमध्ये सर्व पॉईंट्स आम्ही इन्क्ल्यूड केलेला आहे. म्हणजे हा सिलॅबस हा कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी परिपूर्ण असाच बनवण्यात आलेला आहे आणि त्या दृष्टीनेच पुस्तक सुद्धा बनवलेलं आहे. 12वीचं जर पुस्तक पाहिलं तर हे बऱ्यापैकी तुम्हाला जेई आणि नीट करताना जास्तीत जास्त उपयोगाला येईल असंच त्याचे चॅप्टर वाईज डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते करण्यात आलेलं आहे. एक मला सांगायला सांगा वाटतं की चॅप्टर्समध्ये आम्ही भरपूर एक्झरसाइजेस दिलेल्या आहेत. एक सांगायचं झालं तर MCQ 100 MCQ आहेत पुस्तकामध्ये. एक्झरसाइजेस जे आहेत क्वेश्चन बँक जे आपण म्हणूत किंवा क्वेश्चन्स आहेत ते 400 क्वेश्चन्स पुस्तकात आहे. याशिवाय सॉल्व्ड एक्झाम्पल 150 दिलेले आहेत. टेबल्स जे आहेत ते 15 टेबल्स दिलेले आहेत की ज्याचा वापर तुम्हाला फार्मुला कम्पेरेटिव्ह स्टडीसाठी करता येईल. आणि डायग्राम्स आणि ग्राफ्स जर पाहिले तर ते ओव्हरऑल 300 असे डायग्राम्स आहेत. आता हे पुस्तक जेव्हा तुम्ही वाचता तेव्हा परीक्षेचा अभ्यास बोर्डाचा अभ्यास तर याच्यात कव्हर होईलच. आता सरांनी सांगितलं की जे पुस्तकाच्या बाहेर एकही प्रश्न विचारला जात नाही तेच खरं आहे. शिवाय तुमच्या मदतीसाठी पुस्तकात 400 क्वेश्चन्स दिलेले आहेत त्याचा आधार तुम्ही घेऊ शकता. आणि मगर सर म्हणले तसं मलाही पटतंय की काही पाठ हा तुम्ही लिटरली ओमिट करू शकता कारण आता तोंडावर परीक्षा आली आहे. आता अख्खच्या अख्खं एवढं मोठं पुस्तक मी कधी वाचू हे टेन्शन येणं साहजिक आहे. जे तुम्हाला जड वाटतंय जे अवघड वाटतंय तर तो पाठ थोडा बाजूला ठेवा, पण जो कराल तो चांगला करा. कारण जरी तुमचा पेपर हा 80% सिलॅबस कव्हर करणारा असू शकतो असं वाटतंय तुम्हाला, तरी पण ते 80% सिलॅबस जो आपण करतोय तो तंतोतंत चांगला झालेला असायला हवा. दुसरं आणखीन एक सांगायला मला इथे आवडेल की तुम्ही तयारी करत असताना क्वेश्चन पेपर्स जास्तीत जास्त अटेम्प्ट करा. कारण तुमच्यासाठी तुम्ही 10वीचा पेपर लिहिलाय आणि त्याच्यानंतर आता डायरेक्ट तुम्ही 12वीची थेरी एक्झाम देणार आहात. मध्ये 11वीची थेरी एक्झाम तुम्ही दिलेली नाही, त्याच्यामुळे सुरुवात 3 तास बसून पेपर सोडवणं हे सुद्धा तुमच्यासाठी एक टार्गेट आहे किंवा चॅलेंज आहे. ते तसं करून बघा, 3 तास बसून पेपर सोडवा. परीक्षेच्या वातावरणाचा फील येईल असं कन्सिडर करून तो पेपर सोडवायचा प्रयत्न करा. याशिवाय अजून या पुस्तकाच्या मदतीने तुम्हाला जास्तीत जास्त रीडिंग करा. पुस्तकाच्या रीडिंग केलं तर तुमच्या ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स कव्हर होतील. त्या ऑब्जेक्टिव्हसाठी तुम्हाला लाईन टू लाईन जसं सर म्हणले की प्रत्येक लाईन मधला एखादा क्वेश्चन असू शकतो, तसं तुम्ही व्यवस्थित रीडिंग जर केलं पुस्तकाचं तर ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स कव्हर करू शकतात. राहता राहिला पेपर पॅटर्न जर बघितला आपण तर पेपर पॅटर्न मध्ये सी सेक्शन सोडला तर बाकी ओव्हरऑल पूर्ण पेपर हा 1 आणि 2 मार्काचा आहे. म्हणजे पेपरचं जर आपण इझी हार्ड असं जर बायफर्गेशन करायचं झालं तर 2 मार्काचे क्वेश्चन कव्हर करायला आपल्याला सोपे जातात. ते छोटे छोटे क्वेश्चन्स आहेत, सोपे क्वेश्चन्स आहेत, ते जास्तीत जास्त करा जेणेकरून तुमचा ओव्हरऑल पेपर कव्हर होईल. राहता राहिला सी सेक्शन मध्ये 3 मार्काचे क्वेश्चन आहेत. बाफना सर म्हणले तसंच आहे की त्याच्यात तुमचे डेरिवेशन्स असतील, थोडे न्यूमरिकल्स असतील, काही डेरिवेशन जर लर्न केले तर हा सी सेक्शन सुद्धा तुम्हाला इझी जाऊ शकतो. तर माझ्याकडून मी एवढं गायडन्स करते. बाकी काही राहिलं असेल तर बाकी मॅडम तुम्ही बद्दल काही क्वेश्चन्स असतील तर विचारणार आहे. आता वाणी सर भरपूर वेळ झाले वेट करताय आणि वाणी सरांसाठी सर प्रश्न आहे तुमच्यासाठी.
की तुम्ही सध्या विद्या भारतीचे ऑथर्स पण आहेत, तर आता सध्या खूप कमी वेळ आहे, मतलब बहुत कम समय है, इस समय पे बच्चों ने क्या क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है, क्या सजेशन देना चाहते हैं स्टूडेंट के लिए? हाँ नक्कीच सर, आता सगळे जे तज्ञ प्राध्यापक आपल्या सोबत आहेत सर्वांनी छान मार्गदर्शन केलेलं आहे. याच्यातले काही जे मुद्दे आहेत की जे मला असं वाटतं की ते विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचले पाहिजे, जे आपल्या चर्चेत राहून गेलेले आहे, तर मी तो त्याच्यावर स्ट्रेस देण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेल. विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या वर्षी COVID-19 सिच्युएशन मध्ये आपलं जे वेळापत्रक आहे परवाच जाहीर झालेलं आहे आणि आपल्याला आता शिक्षण मंत्र्यांकडनं सांगण्यात आलेलं आहे की आपल्याला अर्धा तास प्रश्नपत्रिके आपल्या सोडवण्यासाठी वाढवून दिलेला आहे. म्हणजे 3 तासाच्या ऐवजी आपल्याला 3.5 तास मिळालेले आहेत, प्लस याच्यासोबत 10 मिनिटं प्रश्नपत्रिका वाचण्यासाठी आपल्याला मिळालेले आहेत. माझी सर्व विद्यार्थ्यांना एक खास सूचना आहे की तुम्ही शांततेने प्रश्नपत्रिका म्हणजे बोर्डाचे जेव्हा फिजिक्सचा पेपर तुमच्या हातामध्ये पडेल तर सुरुवातीला प्रत्येक वेळेस विद्यार्थ्यांनी फिजिक्सच नाही कुठल्याही विषयाची प्रश्नपत्रिका जेव्हा तुमच्या हातामध्ये येईल तेव्हा ती तुम्ही फार शांततेने वाचली पाहिजे. प्रत्येक प्रश्नाचा अर्थ तुम्ही समजून घेतला पाहिजे. डायरेक्ट पहिला प्रश्न वाचला आणि सोडवायला घेतला असं करू नका. शांततेने 10 मिनिटं प्रश्नपत्रिका वाचा. वाचल्यानंतर प्रश्नपत्रिकेत सुरुवातीला काही इन्स्ट्रक्शन दिलेत ते इन्स्ट्रक्शन आता मगर सरांनी भातना सरांनी सगळ्यांनी तो ते रिपीट केलेले आहेत सांगितलेले आहेत. एक काळजी घ्या की प्रश्नपत्रिकेमध्ये सुरुवातीलाच तुम्हाला फिजिकल कॉन्स्टंट्स दिलेले आहेत, तर त्या फिजिकल कॉन्स्टंट्स कडे तुमचं लक्ष असणं आवश्यक आहे. मुलं जेव्हा प्रश्नपत्रिका सोडवतात न्यूमरिकल सोडवतात तर सोडवताना एच ची व्हॅल्यू काय दिलेली आहे, सिग्माची व्हॅल्यू काय दिलेली आहे ते बघत नाही. कधी कधी 6.63 घेऊन आपल्याला तो एच सॉल्व्ह करायची सवय लागल्यावर 6.62 दिलेला आहे. तर मला सगळ्या विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की फिजिकल कॉन्स्टंट काय दिलेला आहे ते पहिल्यांदा तुम्ही बघा. जे क्वेश्चन पेपरमध्ये गिवन आहे तेच तुम्हाला वापरावं लागेल. नेहमी पेपर तपासताना एक्झामिनर मॉडरेटर आणि चीफ मॉडरेटर जी चर्चा होते पायच्या संदर्भात पायची जी व्हॅल्यू आहे ती तुम्हाला 3.142 घ्यावं लागेल. ही तुम्ही सर्वांनी लक्षात ठेवा. सर्व प्राध्यापक वर्गात सांगतात तरी सुद्धा या वर्षी आता जेव्हा पेपर सोडवताना तुम्हाला पायची व्हॅल्यू 3.142 घेऊन सोडवावं लागेल आणि तशी ती तुम्हाला पेपरमध्ये दिलेली राहील. जर मुलांनी पायची व्हॅल्यू 3.14 घेऊन जर न्यूमरिकल सॉल्व्ह केलं असेल तर फक्त फॉर्म्युल्याला मार्क मिळेल, खाली सबस्टिट्यूशनला मार्क मिळणार नाही, आन्सरला मार्क मिळणार नाही, युनिटला मार्क, याच्यावर नेहमी मग पेपरमध्ये वाद चालतात. विद्यार्थी सुद्धा नंतर म्हणतात की नाही सर आम्हाला हे माहीत नव्हतं. तर विद्यार्थ्यांनी ही गोष्ट लक्षात घ्यावी. आता जो आपला मेन विषय आहे की प्रश्नपत्रिका जी सोडवायची आहे कशी आणि जास्तीत जास्त मार्क कसे घ्यायचे, तर विद्यार्थी मित्रांनो आपले एकूण 4 सेक्शन आहेत. सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी आणि सेक्शन डी. उत्तर पत्रिका आपली 28 पेजेसची किंवा 32 पेजेसची असेल. पहिले 2 पेजेस तर इन्स्ट्रक्शन मध्ये असेल. पहिल्या पेजवर तुम्हाला तुमची पूर्ण माहिती भरावी लागेल. दुसऱ्या याच्या पूर्ण सूचना दिल्या आहेत. Page number 3 तुमचा क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए मधला Question number 1 आला पाहिजे आणि 10 multiple choice questions आन्सर 10 लाईन मध्येच बसले पाहिजेत. इतकं सरांनी सांगितल्याप्रमाणे क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर, त्याचा ऑप्शन आणि करेक्ट आन्सर, पूर्ण स्टेटमेंट आपल्याला लिहायची गरज नाही. ही सेक्शन ए च्या संदर्भात क्वेश्चन नंबर 1 च्या संदर्भात तुम्ही काळजी घ्या. VSA जो आहे तो व्हेरी शॉर्ट आन्सर टाइप क्वेश्चन आहे. बरेच वेळेस काही आन्सर इन 1 word मध्ये आहेत, काही आन्सर इन स्मॉल सेंटेन्स मध्ये आहेत. व्हेरी शॉर्ट आन्सर टाइप क्वेश्चन आहे. तर तुम्हाला प्रश्न नेमका काय विचारलाय त्याच्यावरच अवलंबून आहे. एखाद्या डायमेन्शन जर विचारला तर तुम्हाला डायमेन्शन लिहावं लागेल, ते कॅल्क्युलेट करण्याची काही गरज नाही. डेफिनेशन विचारले असेल तर फक्त आपल्याला डेफिनेशन लिहावं लागेल. आणि लक्षात घ्या की सेक्शन ए मध्ये कुठेही अर्धा मार्क नाही, 1 mark आहे. आणि मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनच्या संदर्भात पहिल्यांदा जो तुम्ही अटेम्प्ट कराल तोच तुम्हाला लिहायचा. हे झालं सेक्शन ए बद्दल. 4 सेक्शन आपल्याला सिरीयली सोडवायचे आहेत, कुठेही मागे पुढे करायचं नाही. प्रत्येक सेक्शन मध्ये तुम्हाला जेवढे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला सांगितलेत ते तुम्हाला करायचे. सेक्शन बी मध्ये आपल्याला सांगितलेत या ठिकाणी अटेम्प्ट एनी 8 questions, तर तुम्हाला तेवढेच करायचे. एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोडू नका मित्रांनो. एक्स्ट्रा क्वेश्चन मध्ये तुमचा वेळ जाईल, त्यामुळे तुम्ही बाकीच्या क्वेश्चन कडे फोकस करू शकणार नाही.
आता दोन प्रकारचे विद्यार्थी आहे, काहींना थेरी सोपी वाटते, काहींना न्यूमेरिकल, काहींना दोघही सुद्धा सोपं वाटतं. आता मगर सरांनी सांगितल्याप्रमाणे की आपला जो थेरीचा पेपर आहे एकूण 98 मार्काचा आहे, तर 70 मार्क घ्यायचे आहेत. या 98 पैकी 36 मार्काचे न्यूमेरिकल हे आपल्याला क्वेश्चन पेपर मध्ये असणार आहे आणि 62 मार्काची थेरी आहे. जे मुलं फक्त थेरी करतात त्यांना 62 मार्काची थेरी लिहिण्यासाठी चान्स आहे. जे न्युमरिकल करणार आहेत त्यांना 36 मार्काची न्युमरिकल आहे. मी तर असं सांगेल की आपल्याला फिजिक्स मध्ये 79 मार्क्स घ्यायचे आणि तेही विदाउट डेरिवेशन घ्यायचे, विदाउट डिस्क्रिप्शन टू पार्ट जे आहे न लिहिता घ्यायचे, तर ते आपल्याला घेता येईल. आणि मी सहज सांगू शकतो की विद्यार्थी मित्रांनो, की आपण अशी कल्पना करू की तुम्हाला प्रॅक्टिकलला 30 मार्क पडले असं आपण गृहित धरू आणि न्युमरिकलचे 36 मार्क, की ज्या मुलाचं न्युमरिकल चांगलं आहे त्याला 36 मार्क पडलेले आहे, तर प्रॅक्टिकलला 30 आणि न्युमरिकलला 36, याच्यामध्ये अजून आपल्याला ऍड करायचं एमसीक्यूचे मार्क. मला माहित आहे की 10 मार्काचे एमसीक्यू, त्यात 3 न्युमरिकल बाजूला सोडून टाका, 7 थेरॉटिकल एमसीक्यू आहेत. व्हीएसए मध्ये असंच आहे, 2 मार्काचे न्युमरिकल्स आहे, 6 मार्काचे थेरॉटिकल आहे. तर व्हीएसए 6 मार्क, एमसीक्यू 7 मार्क्स, न्युमरिकल 36 मार्क्स आणि प्रॅक्टिकल 30, यांची जर टोटल घेतली तर 79 मार्क्स येतात. तुम्ही 79 मार्क्स जे आहे हे विदाउट डेरिवेशन, विदाउट एनी डिस्क्रिप्टिव्ह पार्ट तुम्ही घेऊ शकता. अट एवढीच आहे आता मगर सरांनी सांगितल्याप्रमाणे आणि आपल्या बाकीच्याही तज्ज्ञ प्राध्यापकांनी सांगितल्याप्रमाणे की तुम्हाला न्युमरिकलची तयारी डेफिनेट करावी लागेल. सगळे मुलं जेई नीटची तयारी करतायत, एमएसटीसीटीची तयारी करतायत, तर तुम्ही जर ही तयारी व्यवस्थित केली तर फिजिक्स मध्ये तुम्ही 79 मार्क्स आरामशीर स्कोअर करू शकता. आणि सांगितले की आपल्याला 12वीचं टेक्स्टबुक जे आहे पूर्ण फॉलो करायचं आहे बोर्डाचं, जसं 10वीला केलं आपण टेक्स्टबुक त्याप्रमाणे, त्यात कुठलाही बदल करायचा नाही. सॉल्व्ड आणि अनसॉल्व्ड न्युमरिकल, सॉल्व्ड आणि अनसॉल्व्ड न्युमरिकल आपल्याला पूर्ण टेक्स्टबुक मधून सॉल्व्ह करायचे आहेत, त्याला फॉलो करायचं आहे, जायचं नाही. क्वेश्चन बँकचा उपयोग मी एवढंच म्हणेल की थेरॉटिकल जे क्वेश्चन आहे त्यासाठी करा, जर वेळ मिळाला तर तुम्ही न्युमरिकल सोडवा. पहिल्यांदा टेक्स्टबुक मधले बापना सर नक्की सांगितले की सॉल्व आणि अनसॉल्व जे न्युमरिकल आहेत हे न्युमरिकल तुम्ही टेक्स्टबुक मधून करा, नक्की तुम्हाला यश येईल, काही अडचण येणार नाही. सर एक मुलांची मागणी आहे काही की क्वेश्चन, आता हा जो सेशन होता पहिला, एक सेशन संपला आपला की सगळ्यांचं इंट्रोडक्शन झाले, प्रश्न जेवढा विचारला त्याच फक्त उत्तर मुलांना अपेक्षित आहेत आणि मॅक्झिमम हिंदीमध्ये देता येतील का, म्हणजे काही मुलांची मागणी आहे. समजा त्याचं कारण असं आहे की चॅनलवर भरपूर मुलं हिंदी भाषिक भरपूर आहेत, तर त्यांना जर असं अंडरस्टँडिंग मध्ये प्रॉब्लेम जातोय असं मुलांचं मतलब या सुपर चॅट मध्ये सांगताय इथे चॅटिंग मध्ये, तर हा सर बोलिये सर. हा देखिए, अभी हमारे सब एक्सपर्ट कलीग्स ने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है. अभी व्हाइल फेसिंग अंग्रेजी अच्छा रहेगा ना ज्यादा. सर शॉर्ट में हर चीज शॉर्ट में बताने की कोशिश करना. अपना जो सेक्शन ए है उसके बारे में दो लोगों ने बहुत ही अच्छा बता दिया है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ऑल आर कंपल्सरी सेक्शन ए के लिए. मगर सेक्शन, इफ वी गो फॉर सेक्शन बी सी और डी, इन सेक्शन बी में अटेम्प्ट एनी 8 आउट ऑफ 12 है. पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और लिखने के लिए शुरुआत करते हैं, ए बराबर नहीं है. पहले वो जितने 12 क्वेश्चन दिए हैं सेक्शन बी में वो सब पढ़ना चाहिए और उनमें से जो उन्हें अच्छे लगते हैं, उनका दिमाग उनमें अच्छा चलता है ऐसा लगता है, उनके मार्क करना चाहिए और वो अटेम्प्ट करना चाहिए. एक्स्ट्रा सॉल्व करने के बेहतर जो 8 लिखते हैं वो अच्छे लिखे तो उनके मार्क सब मिल सकते हैं. द सेम इज ट्रू फॉर सेक्शन बी, सॉरी सेक्शन सी, उसमें भी 3 मार्क के क्वेश्चन है, 3 मार्क डेरिवेशन है, वो सब जितने 12 क्वेश्चन दिए हैं सब पढ़ना चाहिए, उनमें जो अच्छे लगते हैं जिनमें पढ़ाई अच्छी हो गई है वो उनमें ध्यान देकर वो चॉइस, बिकॉज चॉइस ऑफ क्वेश्चन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. इसलिए चॉइस करने के लिए जो वक्त जाता है वो वाया नहीं जाता. जो एक क्वेश्चन सेट कर दिया
वो लिखने की शुरुआत कर दे, आधा लिखा और आगे का आता नहीं है, इसमें वक्त ज्यादा जाता है, यू वांट टू सेव दिस टाइम, द एवरी स्टूडेंट मस्ट गिव फॉर सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी इन चूजिंग द क्वेश्चंस, जिनकी पढ़ाई अच्छी हो गई है उनको ध्यान देना चाहिए और उसके हिसाब से अटेंड करा। और एक बार मैं सेक्शन सी के बारे में शेयर करना चाहूंगा, और डेरिवेशन जो रहते हैं कि जिन बच्चों को डेरिवेशन डिफिकल्ट लगते हैं उनमें उसका बिगिनिंग तो ऐड रहता है, बहुत से डेरिवेशन में डायग्राम्स देते हैं, और डायग्राम निकाल दिया तो डायग्राम के लिए आधा मार्क मिलता है, और डायग्राम की इंफॉर्मेशन जो रहती है वो लिखी तो भी आधा मार्क मिलता है, और अवतरण लिखी जाता है तीन में से डेढ़ मार्क तो डेरिवेशन में कितना भी बड़ा हो वो मिल ही जाता है। इसलिए सब स्टूडेंट्स को चॉइस ऑफ क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखना चाहिए, इसमें क्या उनका टाइम भी बच जाएगा, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम ड्यूरेशन। ठीक है सर, बापना सर से क्वेश्चन है, जैसे कि जो बच्चे अबाउट 90 क्रॉस करते हैं, सर आपका माइक ओपन करें बापना सर, तो जो स्टूडेंट 90 अबाउट मार्क लेना चाहते हैं वो कहाँ मिस्टेक करते हैं, उनसे मार्क कम हो जाते हैं, मतलब जो राइट 90 अबाउट लेने वाले ये बच्चे नीट जेईई इसमें भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, यानी कि एज पर एज फिजिक्स इज कंसर्न वो प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से छुड़ाते हैं, वो एमसीक्यू बहुत अच्छे से छुड़ाते हैं, वो वेरी शॉर्ट आंसर भी बहुत अच्छे से छुड़ाते हैं। गलती उनकी कहाँ होती है, थ्योरी पार्ट में, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली थ्योरी पार्ट लिखना होता है उनको। आज भी मैं आपको बोलता हूँ कि कुछ बच्चों ने टेक्स्ट बुक तक परचेस की हुई नहीं है, टेंथ में उनको 100% है, लेकिन नीट जेईई के चक्कर में आज तक फिजिक्स के टेक्स्ट बुक नहीं है, इसीलिए थ्योरी में कम गिरते हो, उनके जो मार्क कम होते हैं 10 या 12 या 15 मार्क, थ्योरी जिस टाइप से अपने बोर्ड के टेक्निक से लिखना चाहिए वैसा नहीं लिख पाते, इसीलिए उनका स्कोर कम होता है। तो मेरा उनके लिए एक ही सलाह है कि दो दो मार्क के जो क्वेश्चन है, दो मार्क के जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप, देखो मैं आपको बोलता हूँ कि अपने जो फिजिक्स की क्वेश्चन बैंक बोर्ड ने दी है उसके अंदर 116 क्वेश्चन है दो मार्क के, 105 क्वेश्चन है तीन मार्क के, और 53 क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप। तो एक्चुअली देखा जाए तो उनको सिर्फ दो मार्क के क्वेश्चन, कोई भी गाइड कोई पब्लिकेशन जिसके अच्छे नोट्स है उसमें से उन्होंने अगर प्रिपरेशन अच्छे से किया और लिख के देखे, थ्योरी क्वेश्चन लिख के देखना है उनको दो दो मार्क के, तो उनका स्कोर कभी भी 90+ होगा। डायग्राम के ऊपर उनको ज्यादा स्ट्रेस देना होगा, डायग्राम में एक्यूरेसी आना बहुत जरूरी है। तो जिन बच्चों को 90+ स्कोर करना है उन्होंने टेक्स्ट बुक की रीडिंग दो बार अभी 30 दिन में हो सकते, एमसीक्यू वेरी शॉर्ट आंसर करेक्ट दे सकते हो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए राइटिंग करना है, दो दो मार्क के क्वेश्चन है डेली, वो 30 से 35 क्वेश्चन दो मार्क के अगर लिख के देखे और उसको वापस से टेक्स्ट बुक से वेरीफाई कर ले कि आपने लिखा हुआ पॉइंट और टेक्स्ट बुक के पॉइंट सही है या नहीं है, अगर उस तरीके से जाएंगे तो उनको 90+ मिलना बहुत बहुत आसान है। तो प्रैक्टिकल में 30 मार्क सभी को मिलेंगे लगभग, और 70 में से लगभग 60+ मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो 60+30 इट मीन्स इट इज मोर देन 90 मार्क। मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ कि अगर आप क्वेश्चन बैंक के बारे में ऑन एंड एवरेज बच्चे जो है वो क्वेश्चन बैंक को लेके बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि क्वेश्चन बैंक कर लिए तो मैं पास हो जाऊंगा, तो डेफिनेटली आप अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डेली के 20 करें तो आपको 10 दिन के अंदर 200 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर दोनों। दिनेश सर क्वेश्चन पूछिए। धन्यवाद सभी को, आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया यहाँ पर मराठी और हिंदी भाषा का यूज करके। यहाँ पर मैं जो ऑडियंस हमारी देख रही है लगभग महाराष्ट्र के सभी बच्चे हैं, तो जो भी यहाँ पर मान्यवर यहाँ पर आए हैं आप सभी को मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इस साल पूरे महाराष्ट्र के अंदर स्कूल और कॉलेजेस खुले नहीं थे, गाँव वगैरह में नवंबर के बाद खुले, मुंबई जैसे शहर में और आसपास के शहरों में अभी भी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बच्चे बिना कॉलेज गए बोर्ड की एग्जाम में सीधा बैठेंगे, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और बहुत से बच्चे यहाँ पर जो अभी देख रहे हैं उनको लग रहा है कि ये जो पूरा प्रोग्राम है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अरेंज हुआ है, तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, उनके कमेंट्स से मुझे पता चल रहा है कि ये जो प्रोग्राम है ये मुकेश सर ने मेहनत लेके
अपने साथ के जितने भी कॉन्टेक्ट में टीचर्स है उनसे पर्सनली बात करके सभी को आमंत्रित किया है। यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया कि ऐसा कोई सेशन लिया जाए। तो यहाँ पर जो भी मान्यवर आए हैं इनका जो अनुभव है उनका फायदा हमारे महाराष्ट्र के सभी बच्चों को मिले, इसीलिए मुकेश सर ने पूरी की पूरी मेहनत ली। इसलिए मैं मुकेश सर को बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इतने साल से वो खुद एज एग्जामिनर का काम कर रहे हैं, औरंगाबाद बोर्ड के पास उनका घर भी है, और अपने सानिध्य में जितने लोग अपने लाइफ में आए काम करते समय सभी का उन्होंने यहाँ पर बच्चों के लिए उपयोग करके लिया और एक जगह पर लाया। तो बच्चों आपको बता दूं यहाँ पर जो लोग सोच रहे हैं कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सभी लोग, ऐसा नहीं है, हम सभी लोग शिक्षक हैं, यहाँ पर सभी लोग एक शिक्षक। बात यही है कि सभी शिक्षक जो है काफी अनुभवी हैं, 20 साल 30 साल 40 साल से लोग पढ़ा रहे हैं, और सभी लोग अपने अपने जैसे कि शिक्षक ही एग्जामिनर होते हैं, वही फिर मॉडरेटर बनते हैं, वही चीफ मॉडरेटर बनते हैं। बाकी जो पॉलिटिक्स है, एजुकेशन मिनिस्टर है, वो सब अलग है। आप लोग यहाँ कमेंट के अंदर कुछ बच्चे अलग बातें कर रहे हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल आपको मदद करने के लिए सभी लोग आपके सामने आए हैं। आप लोगों के जो डाउट है, आप लोगों को जो तकलीफ हो रही है, हम सभी समझ सकते हैं कि आपकी पहली ऐसी बैच है जिन्होंने इतनी तकलीफें झेली हैं और आप लोग अभी एग्जाम देने जा रहे हैं। ऐसे में सभी ने प्रयत्न किया सर, सभी मान्यवर को यहाँ बताना चाहूंगा, हम सभी शिक्षक की टीम ने एजुकेशन मिनिस्टर तक गए, बच्चे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए, लेकिन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको जो करना है ऑफलाइन एग्जाम लेना उस पर अड़े हैं। तो इसमें अभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो भी रिलैक्सेशन बोर्ड की तरफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इनको मिला है उसी को आगे लेके ऑफलाइन एग्जाम देने में हम और कितनी मदद कर सकते हैं। इसीलिए आप सभी को मुकेश सर ने और सभी ने मिलकर कॉन्टेक्ट किया, आप सभी लोग आए, आपका बहुत बहुत पहली बात तो धन्यवाद। और बच्चों को यहाँ पर बहुत सारे जो डाउट्स थे वो आप सभी लोग ने क्लियर किए। कुछ बच्चे लेट जुड़े उनको क्वेश्चन बैंक का अभी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों से रिक्वेस्ट है आप इस सेशन को वापस से देखिएगा। बहुत सारे जो अच्छे से मतलब सभी टीचर्स यहाँ पर हैं, काफी अच्छे से बताया सभी ने, क्वेश्चन नंबर 1-2 एमसीक्यू वेरी शॉर्ट आंसर कैसे किया जाए, न्यूमेरिकल्स के बारे में भी सर ने गाइड किया, क्वेश्चन बैंक के बारे में भी गाइड किया। तो अभी एक प्रश्न मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के मन से आ रहा है कि अभी आखिरी महीना है, मुश्किल से 30 दिन भी नहीं है, तो ऐसे में उन्हें ये 30 दिन किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए जिससे फिजिक्स में उन्हें बहुत ज्यादा मार्क्स आ सके। हाँ सर बोलिए सर। दिनेश सर, हाँ बच्चों सर। के लिए एक ही रिक्वेस्ट है, होता क्या है बहुत जोश में टाइम टेबल बनाया जाता है कि 30 दिन में मैं फिजिक्स इस तरीके से कर दूंगा, 2 दिन में एक चैप्टर, ऐसा कभी होता नहीं। तो तरीका यह है कि सारे चैप्टर के डेफिनेशन एक दिन कर लो, सारे चैप्टर के डिस्टिंग्विश एक दिन में कर लो, सारे चैप्टर के 2 मार्क के क्वेश्चन 2 या 3 दिन में कर लो, तो फिजिक्स एज ए होल तैयार होगा। वरना क्या होता है 2 या 3 चैप्टर तक का जोश रहता है, चौथे चैप्टर में आके जाने दे सकूंगा वैसा। तो प्रिपरेशन करते या तो बच्चों ने सारे चैप्टर के डेफिनेशन एक साथ, सारे चैप्टर के डिस्टिंग्विश एक साथ, डायग्राम एक साथ, डेरिवेशन एक साथ, कंटिन्यूटी में, तो फिजिक्स एज ए होल तैयार होते जाए, तो 10 या 15 दिन में उनका काफी कुछ चीजें हो जाती और पूरी बुक के। तो आप भी सोच रहे हो कि अगर फिजिक्स की टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए बैठे, एक पेज पढ़ने के बाद सो जाता बच्चा डर के मारे, तो वैसा नहीं होना है। तो उनको जो जो आसान लगता है चैप्टर का, पहले आसान वाली चीजें कर ले, डेफिनेशन आसान आसान जो है वो सब कर ले, डेरिवेशन जो जो आसान लगता है वो पार्ट कर ले सारे चैप्टर्स में से, डायग्राम जो चैप्टर में से, फिर इंपॉर्टेंट क्या होगा ये उनको पता है, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन जो रहते उस पर से उनको जजमेंट रहता है कि सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, धन एम्पलीफायर, ये क्वेश्चन आने ही आना है, तो उसको तैयार कर लेना चाहिए। अगर समझो कैपेसिटर का है कि डेरिवेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो क्वेश्चन आना ही है, तो वो उन्होंने तैयार कर लेना चाहिए। इंटरफेरेंस थ्योरी के अंदर बैंड का क्वेश्चन है, वो आता ही हमेशा, तो जो क्वेश्चन हमेशा आते रहे और जो उनको आसान भी लगते हैं, तो पहले आसान भाग को तैयार कर ले और बाद में फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट पार्ट की ओर। तो फिजिक्स को एक साथ एक एक चैप्टर वाइज मत करें, सारे चैप्टर को एक एक डेफिनेशन छोटे छोटे भाग कंप्लीट करते जाए तो स्कोर करने में आसान रहती है। या फिर एक दूसरा ऑप्शन है, किसी अच्छे पब्लिकेशन के पेपर सोल्यूशन दिए रहते 5 पेपर्स, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पेपर अगर समझ लिए उसका आंसर लर्न करना और उसको लिख के देखना, दूसरा तीसरा, तो 5 पेपर के अंदर लगभग फिजिक्स पूरा कवर हो जाता है। सर मुझे तो ये बोलना है से भी किए तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड अप होगा। आपका बिल्कुल सही था सर, मुझे एक बच्चों की तरफ से ये पूछना है कि जैसे कि हर साल बच्चे क्या करते थे, पूरे बुक की तैयारी करते थे एंड उसके बाद प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते थे 4-5 साल वो रिवाइज करते थे, बट इस साल सिलेबस चेंज हो गया है, बुक्स नहीं आ गई है, तो ऐसे में क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाकी के जो टीचर्स है वो भी अगर जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं, मराठी भी चलेगा, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी भाषा जिसमें भी आप, पाटिल सर बोलना चाहते हैं शायद, पाटिल सर हैं, गिरीश डावरे सर हैं, सब मार्गदर्शन कीजिए। ठीक है, जितना
अभी अभी बता दिया प्रोफेसर, अभी प्राइवेट पब्लिकेशन के कुछ पेपर अवेलेबल है, सिलेबस ना अभी चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ होगा तो भी तो उसमें भी पुराना सिलेबस से मोर देन 80% पार्ट जो मैटर है वो वही है, इसलिए प्रीवियस एग्जाम के जो पेपर है उसमें से कंसर्न सिलेबस क्वेश्चन किए तो भी कोई उनके दिक्कत नहीं आएगी, और जो 20% बचता है वो नए क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखकर और स्टूडेंट्स पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और एक बात मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, एक या दो पेपर, एक पेपर सॉल्व करो वो अपने टीचर से चेक करके ले लो, उसमें जो गलतियां होती है उसमें व्हाट इज द करेक्ट आंसर एक्सपेक्टेड वो वहां मालूम कर कीजिए, और ऐसे दो या तीन पेपर किए तो अगले वाले जो चौथा पांचवा पेपर रहेगा वो उनका अच्छा स्कोर करने वाला रहेगा और उसके बाद बोर्ड का एग्जाम। धन्यवाद सर। गिरीश डावरे सर बोलना चाहते हैं कुछ? मैं इतना कहना चाहूंगा कि बाफना सर ने जो अभी बात की मैं पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि कि हम अभी तो प्रिपरेशन करने वाले हैं एग्जाम के लिए, तो जो भी हमें इजी लगता है, जो भी हमें अच्छा लगता है, जो भी हमें इंटरेस्टिंग लगता है वो पूरा का पूरा रिवाइज होना ही चाहिए। इसलिए एक बात ध्यान में रखना चाहिए स्टूडेंट ने कि कोई चैप्टर अगर बहुत डिफिकल्ट है तो भी वो चैप्टर में कुछ बात तो आसान होती है, उसमें कुछ फिगर्स आसान होते हैं, उसमें कुछ डिस्टिंग्विश होती है, उसमें कुछ डेफिनेशन होती है, जो बातें वो चैप्टर में आसान लगती है वो करवा लीजिए, वो उसका रिवाइज करवा लीजिए तो वो भी एग्जाम में आ सकती है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको ईजी लगता है तो उसको रिविजन दीजिए, और जो क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक, ये पूरा जो है इसमें कंफ्यूजन मत कीजिए। जो रास्ता आपने अपना क्वेश्चन बैंक अपनाया तो क्वेश्चन बैंक पूरा सॉल्व करो। अगर बाफना सर ने जो कहा एक दिन डिस्टिंग्विश पूरे कर लीजिए, एक दिन यूजेस पूरे कर लीजिए, एक दिन प्रॉब्लम्स पूरे कर लीजिए, एक दिन डेफिनेशंस पूरे कर लीजिए, ऐसा भी किया तो वो बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन चैप्टर कोई पूरा का चैप्टर ऑप्शन में मत छोड़ो, वो चैप्टर में जो इजी लगता है आपको वो तो उतना करना ही करना है। सर बच्चों की तरफ से एक और प्रश्न है हमारे लिए कि सभी से प्रश्न है जो भी देना चाहें, कि जैसे कि फिजिक्स के अंदर हम लोग हर साल तो बच्चे एग्जाम देते 30 marks इंटरनल के होते हैं एंड उसके बाद 70 marks का रिटर्न पेपर होता है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इंटरनल पेपर बहुत अच्छा गया है, मतलब 30 में से उन्होंने समझो 29 या 28 marks स्कोर किए लेकिन थियरी में सिर्फ 8 या 10 marks लेके आए, तो क्या उन्हें कंबाइंड पास हो जाएंगे वो फिजिक्स, या थियरी में ऐसा कोई क्राइटेरिया है कि कम से कम 20% या 25% मार्क्स आना चाहिए? नहीं ऐसा नहीं सर, दोनों मिलेंगे कंबाइंड पास। ओके तो कंबाइंड पासिंग है, सही है। तो बच्चों आपके सामने यहाँ पर सभी जो मॉडरेटर से उन्होंने क्लियर कर दिया है कि आप थियरी में अगर कम मार्क्स भी लाते हैं और प्रैक्टिकल्स में अगर 30 में से अच्छे मार्क्स हैं और थियरी में 5 marks आते हैं, प्रैक्टिकल में 30 marks आते हैं, 35 marks आ गए तो भी आप पास हो गए, बराबर सर? दिनेश सर, दिनेश सर, हाँ बोलिए सर। साइंस का जो रिजल्ट रहता है महाराष्ट्र का 96-97% रहता है, और वो जो 3% फेल जो बच्चे प्रैक्टिकल देते नहीं वही बच्चे फेल होते, वरना जो साइंस का बच्चा थियरी प्रैक्टिकल देगा 100% पास होगा, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, दे आर हैविंग 100 marks फॉर प्रैक्टिकल, एंड इवन इफ दे गॉट 1 mark सिंगल मार्क फ्रॉम थियरी और इवन इफ नॉट आउट ऑफ 200, 100 इन प्रैक्टिकल, ओके दे यूज टू डिक्लेयर्ड एज ए पास। So passing board is very very simple. What I say, simply student appear examination and write something, definitely will get it, because almost 25 to 30 for practicals and for bifocal subjects 100 marks, even for sub subjects more than 100 for practicals. So on the basis of practical you will get passed, but pass should not be your target, and that's why we are discussing over here. But passing 12 don't fear, dimag mein se nikal dijiye ki main pass kaisa ho jaunga. Passing is very very simple. सर यहाँ पर बच्चे डिमांड भी करते हैं कि सर इस साल हम कॉलेज वगैरह गए नहीं, प्रैक्टिकल्स किए नहीं, तो हमको 30 में से 30 ऐसे ही दे दिया जाए प्रैक्टिकल के, तो गवर्नमेंट पॉलिसी को हम बच्चों को गाइड करते हैं कि बिना कुछ किए मार्क्स तो मिलेगा नहीं,
तो एक बच्चों को हम बताते हैं कि 30 मार्क्स के इंटरनल होते हैं, तो कोई भी कॉलेज जो है अपने बच्चों को कम से कम, ज्यादा कम नहीं करता, 24-25 उसके ऊपर ही देते हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है कि नॉर्मली हर एक बच्चों को एक कितनी लिमिट होती होगी मार्क्स? सर, गेटिंग 30 मार्क्स है वो नलीफाइंग मार्क है, ऐसा समझ के चलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन एन एवरेज सभी को 30 के आसपास ही मार्क मिलते हैं। अगर कोई बोलने के बाद भी लिख नहीं सका कोई 29 हो सकते, अदरवाइज उसको हम नलीफाइंग मार्क बोलते हैं। थ्योरी के ऊपर से वेरी डिसाइड होता है, प्रैक्टिकल के तो लगभग आउट ऑफ ही मिले, कोई चिंता नहीं। सर, इन बच्चों को मैं ये कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूँ कि जब हम लोग 12th में थे तो टोटल पासिंग परसेंटेज ऑफ बोर्ड का जो रहता था वो 37% 35% बच्चे खाली पास होते थे एंड 65% बच्चे जो है तो फेल होते थे। आज के डेट में 97-95% बच्चे पास होते हैं और 3% बच्चे खाली फेल होते हैं। आप इस पर से अंदाजा लगा लीजिए कि प्रैक्टिकल का जो इम्पोर्टेंस है वो पासिंग के लिए बहुत सारा है। आउट ऑफ या अप्रोक्सीमेटली 25-30 ये सभी को मिलते हैं, तो कंपल्सरली प्रैक्टिकल जो भी हो जाएगा उसको आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं रहती है। वहां पर एक्सपर्ट्स, इंटरनल एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर, दे आर जस्ट अपॉइंटेड टू टेक योर केयर इन ऑल रिस्पेक्ट। एंड आई थिंक आप उसका दिमाग में से निकाल डाली। इस साल तो बहुत ही तकलीफ का साल है, हर टीचर आपको हेल्प करने के लिए डेफिनेटली आगे दौड़ेगा, गवर्नमेंट भी आपके फेवर में एटलीस्ट प्रैक्टिकल के हिसाब से रहने वाली है और प्रैक्टिकल के कारण ही इतना रिजल्ट बढ़ा है या 97% तक रिजल्ट पहुंचा है। लेकिन गेटिंग 80% प्लस 90% प्लस इसके लिए टास्क है, इसके लिए पढ़ाई करना पड़ती है, इसके लिए एफर्ट्स है। एंड वो एफर्ट्स करने के लिए जो है हम लोग जो आज का यहाँ पर चैनल पे डिस्कशन हो रहा है उसको आप यूटिलाइज कीजिए। थैंक यू। बिल्कुल सर, इस साल तो दिनेश सर, हाँ, इंटरनल और एक्सटर्नल सेम कॉलेज से रहने वाले, ऐसा बोर्ड? यस सर, सेम से। तो ये भी फायदा होगा बच्चों को फायदा होगा इसका। नहीं, अभी यदि एक बाहर के कॉलेज के और अपने कॉलेज के होते तो भी स्टूडेंट का फायदा ही होता है, क्योंकि जहां भी आएगा, यदि मैं औरंगाबाद कॉलेज में आया और वो भी मेरे कॉलेज में आने वाले होते हैं, ये सोच सभी एग्जामिनर को रहती है, मतलब बच्चों का ख्याल रखते हैं। सही है, बच्चों के लिए तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये हर टीचर सोचता है। हर साल तो सोचता ही है और ये साल तो स्पेशल साल है, इसलिए ये बच्चों का नुकसान नहीं करेगा। गिरीश सर, आपके लिए एक सवाल है, जैसे कि एग्जाम में आंसर शीट को कैसे रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी पढ़ाई है, मतलब उनको तो ऐसा लगता है घर से जाने से कि मुझे 100 out of 100 मार्क मिलने वाले हैं, ओके, लेकिन पेपर में जाने के बाद क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से नहीं कर पाते, उसके कारण उनके 100 के जो 100 मार्क थे उसमें से उनको 80-75 मार्क्स आते, तो उसके लिए क्या करना चाहिए बच्चों ने? हाँ, तो ये मैंने अभी बताया कि सबसे पहला प्रिकॉशन तो ये है कि क्वेश्चन सीरियली आना चाहिए, तो पॉजिटिव इंप्रेशन उसका रहेगा। दूसरा ये है कि डायग्राम्स जो है नीट क्लीन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट याद रखिए बच्चे कि डायग्राम, हर एक क्वेश्चन का जो मार्किंग होता है, डायग्राम के लिए मार्किंग रहता है, समझो कंस्ट्रक्शन के लिए मार्किंग रहता है, वर्किंग के लिए मार्क रहता है और डेरिवेशन के लिए मार्क रहता है। तो जो भी सेक्शन बच्चा लिख रहा है उसका हेडिंग अच्छी तरह से लिख ले, तो जो जांचने वाला है वो हेडिंग देख के नीचे का मार्क क्लियर हो जाएगा। अगर सब कुछ इकट्ठा हो गया तो मार्क देने वाला भी कंफ्यूज रहता है और वो भी भूल जाता है कि यहाँ पे मार्क देना रह गया, यहाँ पे नहीं रहेगा, तो उसमें भी 1-2-3-4 मार्क कम हो जाते हैं। तो हर एक क्वेश्चन में वो क्वेश्चन को बायफॉरगेट करके फिगर का अलग, वर्किंग का अलग, कंस्ट्रक्शन का अलग, डेरिवेशन का अलग, यूज का अलग, और लास्ट में जो हर एक क्वेश्चन में एक हर एक क्वेश्चन में क्या रहता है कि एक पूंछ रहती है क्वेश्चन को, एंड हेंस शो दैट एंड हेंस डिराइव दैट, तो वो बच्चे भूल जाते हैं। तो वो जो पूंछ रहती है वो क्वेश्चन की, उसमें भी ध्यान देना है, क्योंकि वो पूंछ भूल गए तो उसमें का 1-1.5 मार्क कम हो जाता है, होशियार भी रहता है। तो हर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, लास्ट तक पढ़ना है, और वो क्वेश्चन का जो पूछ है उसकी तरफ ध्यान देके का आंसर भी लास्ट तक रिप्रेजेंट करना है। ये अगर प्रिकॉशंस बच्चों ने समझ लिए, जान लिए, तो हर एक बच्चा अच्छा स्कोर कर सकता है। ओके, वानी सर के लिए सवाल है, वानी सर आपका माइक ओपन करें। डेरिवेशन कैसे याद करें, बच्चे की
क्वेश्चन है कि डेरिवेशन को हम लोगों को मतलब बहुत तकलीफ जाती है, तो ऐसे समय पे हम लोग डेरिवेशन को कैसे याद करना चाहिए? डेरिवेशन प्रैक्टिस का एक भाग है सर, जितना ज्यादा लिखेंगे तो उतना उसका प्रैक्टिस होगा। एक बार में डेरिवेशन फायदा नहीं है, कम से कम वो जो डेरिवेशन है एक 8-10 बार अगर लिख के प्रैक्टिस किए तो आराम से डेरिवेशन आ जाएंगे। और डेरिवेशन को मैथमेटिकल कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है, जितना मैथमेटिक्स अपना क्लियर रहेगा। फिजिक्स है तो अभी फिजिक्स में हर स्टेप्स में मैथमेटिक्स का, ट्रिग्नोमेट्री का, इंटीग्रेशन है, डिफ्रेंशिएशन है, तो इसका कंसेप्ट लगता। जिन बच्चों का मैथमेटिक्स है, जिनको मैथमेटिक्स अच्छा आता, जिनको प्रैक्टिस है, उनको डेरिवेशन बहुत ईजी जाते हैं। जो मेडिकल बच्चे जिनका मैथमेटिक्स नहीं है, जनरली बच्चे पूछते रहते कि सर हार जा रहा है, तो एक ही इसमें इलाज है, जितने बार हो सके उतना उन्होंने वो लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए, यही एक सॉल्यूशन है। मुकेश सर एक प्रश्न है कि बहुत से बच्चे ऐसे जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की किसी ना किसी कारण की वजह से, या तो वो कोविड ग्रस्त इलाके में थे, या उनकी फैमिली किसी ट्रबल में थी, या स्कूल कॉलेज के ऊपर ही थे, कॉलेज के भरोसे थे, वो कोचिंग क्लास नहीं जाते थे, कॉलेज के ऑनलाइन लेक्चर्स भी नहीं बैठ पाते थे। तो ऐसे बच्चे अगर समझो कि अभी पिछले महीने से शुरू कर रहे हैं या उनके पास आखिरी एक मौका है एक महीना, तो उनको ड्रॉप लेना चाहिए और आगे एग्जाम देना चाहिए, या एक महीने में ऐसा कोई रास्ता है कि उस रास्ते का यूज करके वो इसमें भी अच्छा खासा 50-60% निकाल सकते हैं, ऐसा कोई अगर इसका जवाब देना चाहे तो सर। हाँ बोलिए सर। मैं बताता हूँ कि देखो, साल भर कुछ भी नहीं किया है ऐसा तो नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ बच्चे करते हैं, लेकिन फिजिक्स में कुछ चैप्टर कंपैरेटिवली आसान है, थ्योरेटिकल है, तो मॉडर्न फिजिक्स का एक सेक्शन है वो अगर बच्चे कर लेते हैं और प्रैक्टिकल उनका, इनफैक्ट जो एक्सपेक्टेशन बहुत नहीं चाहिए, 50-60% मार्क्स मिलाना है, तो सेलेक्टेड एक 10 chapters आउट ऑफ जितने भी 16 chapters है उसमें से 5-6 chapters या 10 chapters ज्यादा ज्यादा कर लेते हैं तो आराम से इतने मार्क्स आपको मिल जाते हैं। और ड्रॉप इसलिए नहीं करना चाहिए कि गवर्नमेंट ने क्विकली दूसरा एग्जाम रखा है आपके लिए, तीसरा एग्जाम रखा है इस साल, तो कोविड के लिए दूसरा है और जो कोविड नहीं रहेंगे उनके लिए तीसरा एग्जाम है, तो एग्जाम 3 महीने में 2 होने वाली है, तो मेरे ख्याल से ड्रॉप का दिमाग में किसी बच्चे ने लाना नहीं चाहिए। तो मुझे ये भी पूछना है कि जैसे कि ऐसे बच्चों के लिए कोई स्टडी मटेरियल जो ये यूज करना चाहिए, जैसे 21 यूजफुल हो सकता है क्या नवनीत का? उसमें तो टोटल सब्जेक्ट रहते हैं, सब्जेक्ट टोटल सेलेक्टेड चैप्टर करना चाहिए ऑफ हिज इंटरेस्ट। गिरीश सर कुछ बोल रहे हैं क्या? सर गिरीश सर, ऐसे बच्चों ने क्या करना चाहिए, दे शुड लर्न ओनली डेफिनेशंस, ओनली डिस्टिंग्विश बिटवीन एंड फिगर्स, दे विल स्कोर मोर मार्क्स, मोर देन 45 मींस प्रैक्टिकल के मार्क्स मिला 15 या 20 मार्क भी अगर वो स्कोर करते हैं बोर्ड एग्जाम में तो 30 मार्क्स तो प्रैक्टिकल के मिल जाएंगे, और 15 मार्क तो बहुत आसान है अगर वो सिर्फ फिगर पर भी कॉन्सेंट्रेट करे वो, और हर एक क्वेश्चन में डायग्राम है तो उसको 1 मार्क मिलेगा, आधा मार्क मिलेगा, अगर स्पेशल डायग्राम का क्वेश्चन आया नीट लेवल डायग्राम तो उसको 2 मार्क मिलेंगे, सिर्फ डायग्राम भी निकाल दिया तो 6-7 मार्क तो मिल जाएंगे उसको, और डेफिनेशंस कुछ करवा लेगा वो तो उसके भी 3-4 मार्क मिल जाएंगे, डिस्टिंग्विश करवा लेगा, एप्लीकेशंस यूजेस करवा लेगा उसके भी 2-4 मार्क मिलेंगे, तो ये पूरे मिला के 10-15 मार्क तो उसको इजी मिल जाएंगे, और प्रैक्टिकल के 30 है तो अबव 45 वो इजीली चले जाएगा, और एमसीक्यू भी अगर उसने सॉल्व कर लिए, अगर कुछ इसका ए है इसका, तो एमसीक्यू भी उसमें 3-4 मार्क तो मिल ही जाएंगे उसको, 2 या 3 या 4 मार्क तो मिल ही जाएंगे, तो पूरे मार्क मिला के वो अबव 45 इजीली चले जाएगा ऐसा मुझे लगता है, लेकिन उसने फिगर डिस्टिंग्विश एप्लीकेशन और डेफिनेशन ये 4 पार्ट ही करना अगर उसे पास होना है सिर्फ। तो सर अभी जो दिनेश सर हाँ, अभी इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए जो 12th की जो पासिंग मार्क लगते थे वो 45 गवर्नमेंट को 45 कर दी और भी कम कर दी, तो क्वालिफाई करने के लिए जैसा सब बोल रहे हैं बिल्कुल ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं, आसानी से 20-25 मार्क थ्योरी में मिल जाते हैं, कोई टेंशन नहीं, क्वालिफाई तो हो जाते हैं। सर मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ रेज कर रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। ताकि यहाँ सब मेरे कलीग है, सीनियर टीचर है, पाटिल सर है, बीओए से ताल्लुक रखते हैं, जादव पाटिल मैडम है, अपना सर है। सर जो सिलेबस डिलीट किया है इस साल के लिए बायोलॉजी में बहुत अच्छा तरीका अपनाया गया है कि चैप्टर ही टोटल डिलीट किया है,
हमारे फिजिक्स के बीओएस ने या किसी ने जैसे ने किया, उसने क्या किया है, हर एक चैप्टर में से थोड़ा 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 निकाल दिया है, तो वो बोर्ड पासिंग के लिए, बोर्ड स्कोर बढ़ाने के लिए कुछ बेनिफिट का नहीं है। चैप्टर ही डिलीट होना चाहिए। अभी कैसा हो गया कि आपको 7 नहीं पढ़ना है लेकिन 17 आगे जाके पढ़ना है, तो भाई 7 पढ़े सिवाय आप 17 लिख नहीं सकते। तो ये सिलेबस जो डिलीट हुआ है ना, ये इनफैक्ट ये डिस्कशन का पार्ट नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी माय कलीग आर एसोसिएटेड विद बोर्ड, और बायोलॉजी ने जो अपनाया है तरीका बहुत ही अच्छा है। अगर इसमें से हर एक सेक्शन में से एक एक चैप्टर अगर कम होते थे तो मेरा ये डिस्कशन आज का बहुत स्मूथ होता था, बहुत अच्छा होता था। तो इसके आगे अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी अगर वक्त पड़ता है, काम पड़ता है, तो टेक केयर एंड प्लीज डू इट फॉर स्टूडेंट्स। तो सर ये भी है कि जो बच्चे अगर सर 90% अबव लाना चाहते हैं, 100 में से 90+, तो उनके लिए जो 16 चैप्टर है फिजिक्स के, उसमें से अगर कोई चैप्टर ऐसे हैं 2-3 चैप्टर ऐसे जो नहीं करें तो भी अचीव कर लेंगे, चलता है, चलता है, चलता है, अभी पॉसिबल है। यू कैन ड्रॉप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हिट, जो बच्चों को टफ जाते हैं जनरली, हिट सेक्शन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, या समटाइम्स इवन स्टूडेंट्स फाइंड वेरी डिफिकल्ट दैट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हैं। 2-3 चैप्टर आराम से ड्रॉप करो, आपको 60 टोटल आ जाएगा इंक्लूडिंग प्रैक्टिस। अभी ये इसके बारे में मैंने सेक्शन बी सी डी के चॉइस ऑफ क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, इसमें ऑप्शन रहते हैं, सिर्फ सेक्शन ए में क्वेश्चन ऑल चैप्टर्स में आएंगे, बाकी सब जगह ऑप्शन के लिए बहुत ही चांस है स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए बेहतर रहेगा उन्हें कि दो चैप्टर उन्हें नहीं किए तो भी दे कैन स्कोर इजीली 65 out of 7। ओके, मैं थोड़ा सा वंदना मैम से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वंदना मैम, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट के सवाल आ रहे हैं कि हम लोगों को क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आएंगे या आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस है, तो आपकी क्या मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है ये बच्चे को थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक आया ना तो इसके कारण बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज बहुत हो गए, तो प्लीज थोड़ा बच्चों को सजेशन की। बरोबर है, क्वेश्चन बैंक ही नंतर काढलेली आहे आणि तुमचा जो पेपर सेट झालेला आहे तो त्या क्वेश्चन बँकच्या अगोदरच सेट झालाय, त्याच्यामुळे हे डोक्यातून काढा की मी क्वेश्चन बँक केली म्हणजे मला पूर्ण टेस्ट मिळाला असं काही नाही। पुस्तकामधले सॉल्व्ह प्रॉब्लेम्स, अनसॉल्व्ह प्रॉब्लेम्स आणि एक्सरसाइजेस हे तुम्हाला जास्तीत जास्त करायचं, पुस्तकामधले एक्सरसाइजेस व्यवस्थित केले तर तुम्हाला क्वेश्चन बँक रेफर करायचे फार काही गरज नाही। सपोर्टिंग मटेरियल क्वेश्चन बँक बघू, वन ऑफ द सपोर्टिंग मटेरियल बघा। मला आणखीन एक सांगायचं इथे, आता हे पेंडेमिक एक्झामला जाणार आहे, अर्धा तास वाढून दिलेला आहे, पण असं काही डोक्यात नका की तो अर्धा तास मला, कारण बऱ्याचशा गोष्टी मला हॉलमध्ये जायचंय, त्या हॉलमध्ये गेल्यावर तिथलं वातावरण पण नेहमीपेक्षा वेगळं असणार आहे, त्याच्यामुळे हा जो अर्धा तास तुम्हाला मिळणार आहे हा खरंच तुमच्या कामासाठी आहे, किंवा तुमचं जे एक्झामचं प्रेशर आहे ते रिलीज करायसाठी म्हणून तो वापरा। आणि घरात बसून 3 तास सलग पेपर आपल्याला सोडवता येतो का, किंवा एका जागी आपण 3.5 तास बसू शकतो का हे सुद्धा चेक करा, कारण तुमचा बसण्याचा स्टेमिना राहिलेला नाहीये, लिहिण्याचा राहिलेला नाहीये, कारण तुम्ही नुसते ऑनलाईन क्लासेस केलेत, ऑनलाईनच बघितलंय, त्याच्यामुळे ह्या दोन गोष्टीला थोडीशी प्रायोरिटी द्या, त्याचाही सराव करा, तर तुम्हाला ही परीक्षा नक्कीच चांगली जाईल, सोपी जाईल। धन्यवाद मॅम। मॅम का कहना है कि जो टेक्स्टबुक है, टेक्स्टबुक के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, अंदर की जो कॉन्टेंट है या एक्सरसाइज की जो कॉन्टेंट है, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सवाल आने के चांसेस है, तो इसलिए सभी स्टूडेंट को मैसेज देना चाहती है हमारी जो वंदना मैम जो है, डॉक्टर वंदना मैम, उनका मैसेज है बच्चों के लिए कि टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल, जैसे पापना सर ने भी कहा, पाटिल सर ने भी कहा है, मगर सर कह रहे हैं या अपने वाणी सर कह रहे हैं, सभी लोगों का यही कहना है कि अंदर के न्यूमेरिकल और जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चन दिए वाले या उसके न्यूमेरिकल उसके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, उसके ऊपर आपको 100% आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ये इनका मॉरल ऑफ द स्टोरी है। तो उसके अलावा मैं मगर सर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मगर सर, हमारे फिजिक्स के बहुत बड़े मतलब एक औरंगाबाद में क्लासेस भी चलाते हैं, तो इसके कारण मैं इनको सवाल पूछना चाहता हूँ, सर न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोई टेक्निक है क्या, जो कि बच्चे बहुत सारे डरते हैं न्यूमेरिकल को, तो इस न्यूमेरिकल का जो डर है ये डर थोड़ा खत्म करना है सर आपको, तो इस हिसाब से प्लीज मगर सर थोड़ा गाइड करेंगे।
सर माइक माइक बंद है सर आपका, प्लीज सर माइक। मगर सर का माइक बंद है मगर सर। ओके हाँ बोला सर। ओके सर हाँ, इनफैक्ट सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स इज पॉसिबल ओनली विथ प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस इट्स इम्पॉसिबल। मैं उसको ऐसा बताता हूँ कि मराठी में बोले तो अच्छा रहेगा कि घरामध्ये एखादी वस्तू आपली हरवली असते आणि ती हरवलेली वस्तू सापडण्यासाठी आपण जसा विचार करतो की मग काल माझ्याजवळचा पेन कुठं होता, मग तो मला तिथं जाऊन बघायला लागेल, मग तिथं नसेल तर मग त्याच्यानंतर मी पेन सेट कुठे गेलो होतो का, असं आपण जशी हरवलेली वस्तू सापडतो तसं फिजिक्समध्ये आपण सगळे फॉर्म्युले परफेक्ट का फॉर्म्युले आपल्या सगळे लर्न झाले असतील तर न्यूमेरिकल्स आपल्या समोर आल्याबरोबर गिव्हन क्वांटिटीज अगोदर लिहून काढा, बोर्ड साठी आवश्यक आहे राईट डाऊन अ गिव्हन क्वांटिटीज, त्याच्यावरून आपला अंदाज येतो की आपल्याला फॉर्म्युल्यामधल्या व्हॅल्यूज कडे कसं जायचं आहे। पण फॉर्म्युल्यामधल्या व्हॅल्यूज कडे जाण्यासाठी आपल्याला दिलेल्या क्वांटिटीज कशा वापरता येतील ते बघायचं। जनरली प्रॉब्लेम ट्विस्ट असतो म्हणजे काय असतं, त्यातली एखादी क्वांटिटी ही आपल्याला दिलेल्या क्वांटिटीमधून काढायची असते, त्यामुळं हा सेन्स एकदा आपल्याला आला की फॉर्म्युल्यामधल्या सगळ्या क्वांटिटी माहीत झाल्या पाहिजे आणि त्या माहिती नसतील तर डेफिनेटली ज्या दिलेल्या क्वांटिटीज आहेत त्याच्यामधनं ती वर्कआउट करता येते। युअर फर्स्ट जॉब इज टू राईट डाऊन व्हॉट इज गिव्हन अँड देन राईट डाऊन फॉर्म्युला। फॉर्म्युला लिहिल्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये एखादा अननोन असेल तर तो दिलेल्या डेटामधनं वर्कआउट करता येतो का, तेवढं एकदा आपल्याला सेन्स आला की देन सबस्टिट्यूशन अँड गेटिंग द मार्क्स। पण मी पुन्हा सांगेल प्रॉब्लेम जरूर अटेंड करा, त्याचं कारण फॉर्म्युला लिहिला की मार्क आहे, सबस्टिट्यूशन केलं की मार्क आहे, फायनल आन्सर चुकलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही, दोन मार्क आपल्याला मिळतात। पण एक लक्षात ठेवा, फायनल आन्सर करेक्ट लिहिलं आपण पण युनिट रॉंग असेल तर मात्र अर्धा मार्क जातो, म्हणून फिजिक्समध्ये युनिटला फार महत्व आहे, युनिट आपण काळजीपूर्वक सगळे लिहिले पाहिजे आणि फिजिक्समुळे आपल्यामध्ये निश्चितच एक लॉजिक डेव्हलप होतं, त्याच्याशिवाय पर्याय नाही। अभ्यास करा, खूप सोपा आहे, बोर्डाच्या परीक्षेकडे अगदी असं कॉन्फिडेंटली बघा आणि बापना सरांनी खूप छान सांगितलं तसं फॉर्म्युला लिहा एक मार्क मिळणार, सबस्टिट्यूशन सगळे असा युनिटमध्ये करा, शक्य असेल तर सीजीएस मध्ये जर सगळ्या दिल्या असेल सीजीएस मध्ये या आणि तेवढं केलं तरी दोन मार्क आहेत, त्यामुळे कॅल्क्युलेशन वगैरे हा भाग राहिला तरी आपल्याला ते करता येऊ शकत। मुकेश सर आवाज नाही आ रहा है सर? आवाज आ रहा है? हाँ सर, बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला बच्चों को और डेढ़ घंटे होने आए सर, पता भी नहीं चला कि इतना टाइम कैसे हो गया सर लोगों के सानिध्य में, इतना अच्छा इंटरेक्शन हुआ, काफी बच्चों के जो कॉमन क्वेश्चंस थे हमने पूछे सर लोगों से एंड सभी ने बहुत अच्छे तरीके से अपने विचार रखे, मार्गदर्शन किया सर। तो एक क्वेश्चन बाकी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ सर, जितना जल्दी हो सके हम इस सेशन को फिनिश करें, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि बच्चे पढ़ाई में उनका हमें टाइम भी ध्यान रखना है। सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जस्ट बोलिए सर। क्या होता है मेरा जो एक्सपीरियंस है, बच्चे जब आंसर शीट मिलती है ना तो कुछ बच्चे चालाक रहते हैं, मार्जिन दोनों तरफ से बनाते हैं सो दैट दे नीड सप्लीमेंट एज क्विक एज पॉसिबल, तो इसका कोई मायने नहीं रखता, आप दोनों तरफ से मार्जिन मत बनाइए, एक ही तरफ से मार्जिन रखिए, दूसरी मार्जिन की कोई जरूरत नहीं रहती, और जिनको सप्लीमेंट लगी है उनको बहुत स्कोर मिलेगा, ये भी जो बाकी बच्चे दिमाग में से निकाल डालिए, ऐसा कुछ नहीं रहता है, आपका कंटेंट खाली मेन आंसर शीट में भी परफेक्ट आ जाता है तो आपको आउट ऑफ स्कोर मिलता है, सो डोंट बॉदर अबाउट स्टूडेंट्स आस्किंग फॉर सप्लीमेंट। और सप्लीमेंट लेने में फिर बारकोड लगाओ, होलोग्राफ लगाओ, टाइम भी वेस्ट होता है। राइट राइट। और मैंने देखा है सर, बहुत सारे बच्चों को जो आउट ऑफ मार्क्स रहते हैं विदाउट सप्लीमेंट वाले ही रहते हैं। राइट है, राइट है मैक्सिमम। यस सर, दिनेश सर एक सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, कोई स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे, मतलब बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट उसके हो चुके हैं, अगर उसने अपने शब्दों में अगर आंसर शीट लिखा है क्या उसको अच्छे मार्क मिल सकते है? क्या नया बुक का मोटो ही वो है कि नए बुक में लैंग्वेज ऐसा यूज किया है कि एक डेफिनेशन का कुछ यूज नहीं किया, उन्होंने फ्लोइंग लैंग्वेज यूज किया और स्टूडेंट भी अपना लैंग्वेज यूज सकता है, तो इसमें कोई नहीं है कि स्टूडेंट अपना यूज कर सकता है, क्योंकि फिगर के बारे में अगर दो चार सेंटेंस भी लिख दे तो कंस्ट्रक्शन के पूरे मार्क्स उसे मिल जाएंगे, कोई अगर एक सेंटेंस भी होता है उससे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ है या एक मार्क है तो उसमें कम नहीं होगे, लेकिन
अप्रोप्रिएट वो फिगर के बारे में तीन चार सेंटेंस वो होना चाहिए, वो किसी भी लैंग्वेज में हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। yes. इसका मतलब बच्चों अगर आप आंसर पेपर लिखते हैं तो अगर आपको कंसेप्ट पता है, डेरिवेशंस पता है, फॉर्मूले पता है, डायग्राम पता है, तो उसका जो थियोरेटिकल पार्ट है अगर ओन वर्ड्स में भी लिखते हो तो भी वो एक्सेप्ट किया जाएगा। उसमें जो मेन मुद्दे होते हैं, मेन पॉइंट हर एक आंसर में, वो उसमें होना चाहिए। जरूरी नहीं कि किताब की ही भाषा आप लिखें, मतलब भाषा मतलब ये बोलिए सर। मैं एक एक्सपीरियंस यहाँ पर कोट करना चाहूंगा। बोलिए सर। सो आई वॉज चीफ मॉनिटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दैट टाइम देयर वॉज इलेक्ट्रिक मोटर वॉज वन टॉपिक and question was what do you mean by electric motor, in fact electric motor converts electrical energy into mechanical energy, that is right and correct definition, but one outstanding performance tha us bachche ka aur usne total paper bahut hi acha likha tha, but he was I think from rural area or she was maybe from rural area, but what he write about electric motor, ab wo gaon ka bachcha tha, usko malum tha light aa gayi to motor chalu ho jati, light gayi to motor band ho jati, so he used to write it converts light energy into mechanical energy. When light goes off, in his own words I'm saying, when light goes off motor stops, when light is on motor works. So aise case mein board ke guideline rehte ki agar usko subject samajh mein aaya to mark dena chahiye, credit dena chahiye. So writing down in your own words more correctly it's welcome. Bookish language ki zarurat nahi hai, aap apne language mein likhiye, jaisa hamare bit frequency mein hota hai ki almost equal frequency, kuch bachche likhte hai slightly different frequency, so slightly different and almost equal, that is one and the same, students can write in their own language, the meaning should not be affected, that is the meaning. Yes, yes, that is correct Patil. Dinesh sir, ha bolie sir, board ke model answer mein likha rehta hai ki any other alternative answer will be given full credit to the student. First line is the board ke model answer. Alternative answer should be given full credit to the student. Provided that teacher must know that alternative answer. So it is important. That's why moderators were appointed and CEO were appointed. To know the alternative methods of solving the problems. तो आपके सामने देखिए सभी लोग बता रहे हैं कि जो मॉडल आंसर पेपर होता है उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि अगर बच्चों ने अल्टरनेटिव ऑप्शन लिखा है आंसर में और वो लगभग सेम है, मिलता जुलता, और अगर एग्जामिनर को लगता है कि ये करेक्ट है तो वो उसको मार्क्स दे देंगे, ऐसा बोर्ड की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन है। तो सर एक छोटी बात मैं ऐड करना चाहूंगा पहले। बोलिए सर, क्या हो रहा है अलीकडच्या काळामध्ये, काय झालं, मुलं आंसर शीट मध्ये सब्जेक्ट नसलेल्या बऱ्याच गोष्टी लिहितात एंड व्हाट दे आर ऑफ ओपिनियन कि कुछ भी लिखे तो मार्क मिल जाते हैं। फॉरगेट इट, एग्जामिनर, मॉडरेटर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है उसको, चीफ मॉडरेटर, इवन क्रॉस मॉडरेशन पहले होता था, तो ये तीन चार लोग आपका एक पेपर चेक करते हैं। आप कोई फिल्म का गाना लिखेंगे तो आपको मार्क मिलेगा, इस भ्रम में मत रहिए, सब्जेक्ट का ही कंटेंट लिखिए तो ही आप हो सकते हैं पास। पास होने के लिए बहुत आसान है, वॉट एवर डिस्कशन वी हैड टूडे आई थिंक यू गॉट इट, और उसके बेसिस पर आप आराम से 60% तक पहुंच सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर इज इंपॉर्टेंट। दिनेश सर, हाँ बोला सर। सर मैं लास्टली समरी करता हूँ, बाद में वोट ऑफ थैंक करिए आप। तो सबसे मैं फिजिक्स का सब्जेक्ट का टीचर हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा एक समरी सभी लोगों ने जो बताई, जैसे कि हमारे मगर सर। सर एक बच्चों के सामने क्लियर कीजिए कि आप लोग सिर्फ फिजिक्स की बात ही क्यों कर रहे हैं, केमिस्ट्री का क्या, बायोलॉजी का क्या, मैथ्स का क्या, करने वाला वही समरी कर रहा हूँ मैं, बाद में आपको करना है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आज का जो सेशन था हमारा वो ओनली फिजिक्स के लिए, कल मैथ्स के लिए होगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट के लिए हम लोग जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, जैसे कि वंदना मैम ने मुझे एक नंबर भी भेजा है, तो सब लोग आप भी हेल्प करो जितना हो सके केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अदर सब्जेक्ट के लिए भी। ओके, दूसरी बात, आज की जो बातें चल रही थी, जैसे कि मगर सर है, बापना सर है, हमारे पाटिल सर है, गिरी डावरे सर, वंदना मैडम है और वानी सर है, तो इन छह लोगों ने हम लोगों को जो गाइडेंस किया उसके ऊपर मैं थोड़ा सा समरी करना चाहता हूँ। समरी क्या है कि सबका कहना यही है कि आपको टेक्स्टबुक, टेक्स्टबुक, टेक्स्टबुक कि इसके न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने ही हैं। क्वेश्चन बैंक्स में से कितना कंटेंट आएगा ये क्लियर कट हम नहीं बता सकते आपको, लेकिन बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के न्यूमेरिकल करना है, उसी के जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो करना बहुत जरूरी है, नंबर वन। नंबर दो चीजें हैं कि हमारे जो यहाँ पे क्वेश्चंस बैंक जब हम लोग जैसे कि कर रहे सॉल्व, तो उसमें से आप लोगों ने देखा होगा
तो क्वेश्चंस चैप्टर के अंदर के ही उठाए हैं, बस वैल्यू चेंज करके दिए। मैंने खुद अभी क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देना चालू किया, तो कुछ नहीं, वही न्यूमेरिकल या न्यूमेरिकल की वैल्यू चेंज की है। और यही एग्जाम में भी आता है, सेम टू सेम ऐसा ही होता है, क्वेश्चन सभी बुक्स में की होते हैं, बस उसकी वैल्यू चेंज होती है न्यूमेरिकल में। नंबर दूसरा पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूं यहाँ पे। नंबर थर्ड चीज है कि जैसे कि कुछ बच्चे गाना लिखना, ये लिखना, वो अवॉइड करें, उसके कोई भी मार्क मिलते नहीं है। नंबर चौथी बात है कि जो एमसीक्यूज हम लोग लिखते हैं वो पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन लिखना ए बी सी डी, उसका अगर आंसर है वोल्टमीटर पोटेंशियोमीटर तो बी पोटेंशियोमीटर लिखना है, करेक्ट है पाटिल सर? तो इन चीजों पर आप लोगों को छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है। पेपर प्रेजेंटेशन करते समय ए बी सी डी ऐसे चार सेशन है, चार पार्ट किए गए हैं, एक सेशन को कंप्लीट करें, अगर नहीं आते तो उसके लिए जगह छोड़ देना है, सेशन बी को बाद में, सी बाद में, डी। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, मिक्सअप करने से जो मॉडरेटर हो या एग्जामिनर हो, चीफ मॉडरेटर हो, उनका भी दिमाग है यार, उनको भी बहुत सारे स्टूडेंट को जलना रहता है। तो इस हिसाब से आप लोगों को पेपर का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी तरह से करें। दूसरी बात, जैसे बापना सर हो, उन्होंने कहा है कि दो दो मार्क के ज्यादा क्वेश्चंस करें, क्यों करना चाहिए? क्योंकि दो मार्क के लिए और एक मार्क के लिए हमारे पेपर में बहुत ज्यादा वेटेज है, तो उस हिसाब से आपको पेपर का प्रेजेंटेशन या आपको तैयारी करनी। दूसरी, गिरीश सर ने एक अच्छा पॉइंट बोला है हम लोगों को कि जो बच्चे को डर लगता है मैं फिजिक्स में फेल होने वाला हूं, मैं पास ही नहीं हो सकता, सिंपल फंडा बताया उन्होंने, डिफाइन करें डिस्टिंग्विश एडवांटेजेस, ये छोटी छोटी डायग्राम ऐसी चीजें करना चाहिए ताकि सभी बच्चों को इससे पास होने का एक मौका मिलने का बहुत एक बड़ा चांस हो सकता है। उसके अलावा और भी कुछ चीजें रही तो हम लोग ऐसे आते रहेंगे। न्यूमेरिकल के बारे में भी हमारे जो मगर सर है उन्होंने आप लोगों को गाइडेंस किया है। उसके बाद में कम समय में कैसे तैयारी करना चाहिए, वाणी सर ने ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कशन किया है कि इसके बारे में भी आप लोगों को बताया है कि माइनर मिस्टेक जो होती है बच्चों की, जिनको 100 out of 100 मार्क चाहते है बच्चे, 100 out of 100 लेकिन माइनर मिस्टेक करते हैं, उसके बारे में भी बापना सर ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन किया, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन बताना तो पॉसिबल नहीं है। और हमारी वंदना मैम जो है, वंदना जाधव मैडम जो है, उन्होंने, वो बोर्ड ऑफ स्टडी मेंबर्स है, तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया यार आप लोगों को कि क्वेश्चन बैंक आ गया, टेंशन मत लो, आप अपना बोर्ड की बुक्स के हिसाब से तैयारी करना, करेक्ट है मैम? तो इसके अलावा कोई पॉइंट बाकी है तो बता सकते हो, नहीं तो दिनेश सर आउट ऑफ साइन करके इस सेशन को खत्म करने वाले है, तो प्लीज सर। धन्यवाद सभी का कहना चाहूंगा यहाँ पर, जितने भी, सबसे पहले तो हमारे जो माननीय यहाँ पर आए, मुकेश सर ने बड़ी मेहनत करी, तो सबसे पहले मुकेश सर को सभी बच्चों की तरफ से और सभी शिक्षकों की तरफ से धन्यवाद कि आपने इतना मतलब कोऑर्डिनेशन करके सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाया। शुरुआत में तो सुनने मिला यहाँ पर जो शिक्षक आए हैं, मॉडरेटर्स आए हैं, वो आपस में यहाँ पर मिल रहे हैं बहुत दिनों के बाद तो ये भी एक अच्छा हुआ। और यहाँ पर गिरीश डावरे सर, पाटिल सर, बाफना सर, वंदना जाधव पाटिल मैडम, मगर सर, नितिन वानी सर, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमारे बच्चों की तरफ से जो आए हुए छोटे से छोटे क्वेश्चन थे उसको भी काफी इंटरेस्टिंग तरीके से जो है आपने बताया, और मतलब बिंदास होके बताया, जो भी आपको फ्रैंकली लगता था वो बताया। एज अ मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर, आपका जो अनुभव है उसको आपने काफी अच्छे तरीके से यहाँ बच्चों को आगे एग्जाम में हेल्प मिले, बच्चे अच्छे से पेपर दें, उसके लिए आपने जो भी यहाँ प्रयत्न किया, अपना अमूल्य समय निकाला, ये बहुत बड़ी बात है कि अपने डेली रूटीन में से हम अपने फैमिली और अपना जो एजुकेशनल जो हमारा वर्क होता है उसमें से यहाँ पर आपने जो बच्चों को वक्त दिया है, लगभग मैं बताना चाहूंगा कि 37,500 से ज्यादा बच्चे इस सेशन में आए और उन्होंने इसका फायदा लिया है, और ये जो सेशन अभी सेव हो जाएगा यहाँ पर, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लगभग 1,00,000 के ऊपर बच्चे इसका फायदा लेंगे, और इतने बच्चे जो महाराष्ट्र के हैं उनको आप लोगों के गाइडेंस का बहुत बहुत फायदा मिलेगा। और इतना ही नहीं, जितने भी बच्चे हमारे साथ अभी 1.5 घंटे से लगभग जुड़े हैं उनके लिए एक आशा की किरण ये सेशन बना, क्योंकि बच्चों को अपने जो एक्चुअल टीचर से उनका मार्गदर्शन मिला ही नहीं, कॉलेज गए ही नहीं, ग्रामीण भागों में गए बट शहरी भागों में अभी भी कॉलेज बंद है, तो उन्हें पता ही नहीं कि 12th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं या कॉलेज के क्लासरूम या टीचर से रूबरू नहीं हुए। ऐसे में आप सभी का मार्गदर्शन उन्हें एक अंधेरे में जैसे कि रोशनी का किरण होता है उस तरह से उनको लगा, और इसका बहुत बहुत फायदा इन बच्चों को होने वाला है। और यही कह के मैं मुकेश सर से
कहना चाहूंगा कि सर जैसे कि दिनेश सर ने सभी लोगों को वोट ऑफ थैंक कहा है, मुझे भी बताया कि सर आपने बहुत मेहनत की, लेकिन दिनेश सर आप भी मेहनत कर रहे हो क्योंकि सभी बच्चे के लिए आपने मुझे कॉल किया, बोला कि सर ऐसे कुछ सेशन अरेंज करना चाहिए जो कि बच्चे के भविष्य के लिए फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए और बच्चे को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हो चुका है। जैसे बापना सर है बड़े कॉलेज में है, मगर सर है हमारे पाटिल मैम है ना, वानी सर है, अभी ये लोग है ना ये डायरेक्ट स्टूडेंट से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इससे हम लोग डायरेक्टली कांटेक्ट कर पा रहे। चैटिंग में बच्चे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, हम लोग उसके सवाल के आंसर दे रहे थे। तो दिनेश सर आपको भी मैक्सिमम क्रेडिट जाता है और सभी का तो सहयोग सभी का है, मतलब हम लोग आठ लोग जुड़े वाले हैं तो आठों के आठों लोगों का यहाँ पे सहयोग है। तो सही में सभी बच्चे ने इतने सारा प्यार दिया इस चैनल को और सभी टीचर इतने ये बहुत बड़े बड़े आदमी है सर, एक्चुअली ये मैं उनके बच्चे जैसा हूँ। मैंने इसीलिए बोला ना कि आपने अपने जो शिक्षक जीवन में जितने लोगों से आपका संपर्क हुआ, पाटिल सर हो गए, यहाँ डावरे सर हो गए, बापना सर, जादू पाटिल, सभी लोगों का आपने मतलब बराबर उनके अनुभव को यहाँ पर बच्चों के लिए उपयोग करके लिया। वानी सर जैसे हैं, सभी का यहाँ पर मगर सर है, तो सभी का मतलब ये जो अनुभव है बच्चों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। और यहाँ पर मैं सभी शिक्षकों को बता दूं कि हमारे मुकेश सर लगभग अभी आज के दिन में पूरे महाराष्ट्र के 1,00,000 से ज्यादा बच्चों को गाइड कर रहे हैं, इनके सब चैनल पर 1,00,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए। तो आपका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मुकेश सर हम सभी शिक्षकों की तरफ से, और ऐसे ही हम उम्मीद करेंगे कि आप लगातार मार्गदर्शन देते रहे और लगभग 1,000,000 बच्चे आपसे जुड़े आने वाले दिनों में, ऐसी शुभकामनाएं आपको भी और ऐसा ही अच्छा काम बच्चों के लिए करते रहे। धन्यवाद सर। सर ये चालू रहने, जूम मीटिंग चालू रहने।